जब तक माइक वाला इश्यू सॉल्व होता है, कैन यू प्लीज प्लीज राइट योर इंट्रोडक्शन इन चैट विंडो सो दैट एवरीवन कैन रीड के आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्या है, एंड पर्टिकुलरली व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस यू वांट टू टेक अवे के आज 2 घंटे के सेमिनार के बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू यू वांट टू ऐड इनटू योर प्रोफाइल. ऑपरेशन रऊफ, ऑपरेशंस मैनेजर. अली रजा, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट. बिनेश, कंप्यूटर साइंस. असनैन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट, नेचुरल साइंसेस. मोहम्मद अतीक, सॉफ्टवेयर डेव के अंदर. जैगम गफूर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस. इंटरनल ऑडिट प्रोफेशनल्स. जमाल राई, डेटा साइंस एंड AI. जवाद अहमद, BS डेटा साइंस फ्रॉम एम साइंसेज. उजैर हाशमी जो है वो बैकग्राउंड इज BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. रजा, CRM आर्किटेक्ट. एनीवन लेफ्ट फॉर इंट्रोडक्शन? लाइक कोर अगर मैं देखूं फ्रॉम मदर भट्टी कॉल सेंटर इंडस्ट्री. ठीक है, अगर मैं पोल्स पे जाऊं तो इट्स अ 50-50 रेशियो के लाइक हाफ ऑफ द ऑडियंस इज फ्रॉम CS बैकग्राउंड और हाफ ऑफ द ऑडियंस इज फ्रॉम नॉन CS बैकग्राउंड. ठीक है जी. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाके यू कैन रेज योर क्वेश्चन. ठीक है, और हम फिर वन बाय वन उनको आंसर करते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जिस बंदे का क्वेश्चन हो हम उसको लाइव कॉल पे ले सकें. ठीक है, ताकि जो है बाकी लोग भी उसका क्वेश्चन सुन सकें. अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम डाइस एनालिटिक्स इंट्रोडक्शन. तो जो डाइस एनालिटिक्स है, वी स्टार्टेड दिस वेंचर 3 इयर्स बैक, और इस 3 इयर्स के अंदर हमने 5,000+ लोगों को ट्रेन किया है. डिफरेंट ट्रेनिंग जो है हमने ओवर द टाइम मेच्योर की है, और इन 3.5 ईयर लाइक वी हैव स्टार्टेड अवर ऑपरेशंस फ्रॉम नाउ 3 डिफरेंट सिटीज, इस्लामाबाद, लाहौर एंड पेशावर. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड ऑल्सो गो फॉर कराची, बट ड्यू टू कोविड वी स्टॉप्ड अवर प्लान. सो जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन क्लियर होती जाएगी, वी विल ट्राई के हम एज सून एज पल सोन जो है वो कराची के अंदर भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकें. ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ जो डाइस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हम लोगों को डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने भी स्किल सेट्स हैं, डेटा साइंस हो गया, कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, कंप्यूटर विजन हो गया, या फिर ये कि बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, आपका डेटा वेयरहाउस हो गया, आपका बिग डेटा हो गया, इस तरह के डिफरेंट जो स्किल सेट जो कि डेटा एनालिटिक्स के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, उनके लिए लोगों को ट्रेन कर सकें हम. एज ऑफ नाउ हम 80+ इटरेशन चला चुके हैं इन चीज़ों की. ठीक है, अच्छा, बट एक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक क्विक सा इंट्रोडक्शन डाइस एनालिटिक्स का. और प्लीज़ अगर आप लोगों को क्या कहते हैं उसे वीडियो की आवाज़ ना आए तो चैट विंडो के अंदर जरूर लिखिएगा.
का प्लीज चैट विंडो में लिखिएगा अगर इफ यू पीपल हैवंट हर्ड अबाउट, मतलब आप लोगों को अगर वीडियो की आवाज नहीं आई तो यू कैन मेंशन इट इन चैट विंडो। अच्छा मूव फॉरवर्ड करते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आज का जो ऑब्जेक्टिव है, आज के सेमिनार का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक डिफरेंट इनिशिएटिव लिया था बैक इन जनवरी 2020 बिफोर कोविड, कि हम किस तरह जो है वो नॉन टेक या ऐसे लोग जो कि नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं उनको हम किस तरह इनेबल कर सकते हैं कि वो जो है वो डेटा साइंस या डेटा एनालिस की फील्ड के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा फियर जो है फॉर एग्जांपल कमर्शियल के लोग हो गए, मार्केटिंग के लोग हो गए, सेल्स के लोग हो गए, फाइनेंस के लोग हो गए, उनके लिए सबसे बड़ा फियर ये होता है कि अच्छा मैंने डेटा साइंस की तरफ जाना है बट मुझे कोड नहीं करना आता तो लाइक मैं नहीं ये कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव हमने जनवरी के अंदर स्टार्ट किया था और आहिस्ता आहिस्ता अब हम इसको मेच्योर करते आ रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड भी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव हम लेते रहे, आज का भी जो सेमिनार है उसके पीछे पर्पज यही है कि एक फियर खत्म किया जाए कि यस डिस्पाइट कि आप लोग जो हैं वो नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, बट स्टिल यू पीपल कैन लर्न अबाउट डेटा साइंस एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा इस आज के सेमिनार का। इसके दौरान हम एक टूल्स भी रखेंगे और दूसरा एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि डाउन दी रोड हम इससे रिलेटेड 3 डिफरेंट एपिसोड जो हैं वो रन करेंगे। ठीक है, और इन एपिसोड्स के अंदर जो हैं वो हम हर एपिसोड के अंदर एक डिफरेंट चीज़ कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगला एपिसोड जो हमने रखा हुआ है उसके अंदर हमारा जो है मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि हम एक टूल जो आज हम नाइम एक्सप्लोर करेंगे उसको हम डिटेल में अगले नेक्स्ट 2 आवर्स में, जिसका हमारे पास जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो हमारे वेब पेज पे इंक्लूड शेयर्ड है, तो उस टूल को हम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा साइंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैं कॉन्फिडेंस दूंगा कि विदाउट यूजिंग क्या कहते हैं से एनी कोडिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन या आर, स्टिल यू पीपल कैन डू अ लॉट ऑफ डेटा साइंस एट योर एंड। ठीक है, अच्छा आगे चलें तो आज का गेन मैंने जिस तरह बताया कि आज का जो सेमिनार है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है, या उन लोगों के लिए ज़्यादा फोकस रखा गया है जो लोग फॉर एग्जांपल मार्केटिंग फाइनेंस या एचआर डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो कि बिजनेस एनालिस्ट पे काम तौर पे काम करते हैं और एक्सेल के अंदर उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज हैं। थर्ड वो कि पीपल मैनेजर्स या बिजनेस ओनर्स या टॉप मैनेजमेंट जो ये चाहते हैं कि डेफिनेटली डेटा साइंस एक रियलिटी बनता जा रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा स्किल सेट है कि आप बेशक जिस मर्जी फील्ड से हों आपको डाउन द रोड इस स्किल सेट को अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करना पड़ेगा ताकि आप कैरियर के अंदर अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकें। ठीक है, या अच्छा प्रोग्रेस कर सकें। अच्छा इसके अंदर अगर हम आगे चलें तो दूसरा जो है एक और जो क्लैरिटी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड के हम ज़्यादा फोकस रहेंगे डेटा साइंस की तरफ और डेटा साइंस में भी रेदर देन के मशीन लर्निंग या टेक्निकल। टेक्निकल मशीन लर्निंग या एल्गोरिदम या मैथ एंड स्टैट्स की तरफ हम जो है वो फोकस रहें, हम जो है वो ज़्यादा डेटा साइंस की तरफ फोकस रहेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में मेजर क्या फ़र्क है। ठीक है, तो देखें डेटा साइंस जो है ना वो कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एक बड़ा बड़ी कह लें कि बिग बज वर्ड, एक बड़ी डोमेन जिसको हम एआई कहते हैं, इसके अंदर डिफरेंट तरह की डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं फर्दर जिनके अंदर आप एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फील्ड इज डीप लर्निंग, अदर इज मशीन लर्निंग, ठीक है, और एक डेटा साइंस है। तो डेटा साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड जिसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स को हम ऐड करके एक जो है ना डिफरेंट फील्ड बनाते हैं जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो यूजिंग हम डेटा साइंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बैड डेट फॉर एग्जाम्पल लोग लोन लेते हैं रिटर्न नहीं करते, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो यूजिंग दोज कस्टमर्स डेटा हम किस तरह बैड डेट को रिड्यूस कर सकते हैं। एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल उसके पास इंप्लॉयज़ का डेटा है, उसको पता है कि मेरे लोग बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, इट्स ऑलवेज हैज़ बीन रिमेंड अ पेन पॉइंट फॉर कंपनीज के किस तरह वो लोगों का जो है वो ड्रॉप आउट रेट या जो उनका एग्जिट है या जो चर्न है या उनका जो रेजिग्नेशन रेट है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फील्ड्स जिसके बारे में जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। अच्छा अब थोड़ा मुझे चैट विंडो के अंदर बताएं कि व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस तो आपके जहन में क्या आता है, लाइक व्हाट इज डेटा साइंस?
मर्तुदासन, नंबर्स, डेटा एनालिसिस, रिड्यूस योर एफर्ट्स, गेटिंग इनसाइट्स, एनालिसिस, बिग डेटा, साइंस अबाउट डेटा, मैनेजिंग बिग डेटा, स्कैटर्ड डेटा टू रेन टू फॉर्म मीनिंगफुल इनसाइट्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजंस. अच्छा, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि ये फील्ड जो है वो खाली जो है वो टेक्निकल लोगों के लिए है? लाइक हाउ मैनी ऑफ यू थिंक कि अच्छा ये ठीक है, ये आपने जो इनपुट दी है वो कितने लोग समझते हैं कि जो है ना ये जो है ना टेक्निकल लोगों के लिए? यस आई डू. मेनली टेक्निकल. इसके अलावा इट्स नॉट फॉर टेक्निक्स फॉर एवरी वन बट ओनली टेक्निकल गेट एडवांटेज फ्रॉम इट एंड मेक इट वर्क. ठीक है. अच्छा, आप में से कोई ऐसा बंदा जो बिलीव करता हो कि यस एक नॉन टेक्निकल या नॉन सीएस बैकग्राउंड का बंदा भी जो है ना वो ये कर सकता है, वो प्लीज अपना शेयर करें. majority data science from business domains. Me too. I think a non-CS person can teach themselves the required skills. Yes, everyone can do. Who can learn can do it. Background doesn't matter. ठीक है. Yes. तो आज का जो है ना कह लें कि सेमिनार वो हम यहीं पे क्लोज करेंगे कि यू पीपल विल हैव कॉन्फिडेंस कि यस अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से भी हैं तो यू कैन डू इट. ठीक है. बट डेफिनेटली एक जो सीएस बैकग्राउंड का बंदा होता है उसे जो है वो क्या कहते हैं उसे एक थोड़ा बहुत उसका अपर हैंड होता है क्योंकि उसके पास कोडिंग के टर्म में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बट स्टिल जो डायरेक्टली चीज़ें लेके चलते हैं वो हमेशा बिजनेस के लोग लेके चलते हैं. इस चीज़ से कितने लोग मतलब मेरे एग्री करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो डेटा साइंस है उसकी जो डायरेक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एआई के डायरेक्शन वो बिजनेस के लोग या नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो उसको डायरेक्शन देते हैं? ठीक है. तो मतलब काफ़ी आमिर खान मारूफी ने लिखा, ठीक है, टोटली अब्दुल अल्लाह उबैद ने लिखा, सुहेब नासिर ने लिखा कि यस इट्स अ टेक्निकल फील्ड. ठीक है. और मेनली जो है वो हाईली ड्रिवन बाय सीएस बैकग्राउंड पीपल हैं बट हमेशा इस फील्ड को जो डायरेक्शन देते हैं वो जो है वो नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग देते हैं. ठीक है. तो अब जो चैलेंज आ रहा है ना, चैलेंज ये आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जो निटी क्रिटीज जो एल्गोरिदम्स हैं उनके बारे में जो सीएस बैकग्राउंड के लोग होते हैं आपकी टीम में उनको इन डेप्थ चीज़ों का पता होता है. ठीक है. बट सीएस के नॉन सीएस के लोग लाइक मार्केटिंग सेल्स जिन्होंने चीज़ों को एंड पे कंज्यूम करना होता है उनको चीज़ों के जो है ना वो आइडिया नहीं होता कि क्या क्या फॉर एग्जाम्पल जॉर्गन्स हैं, क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं. तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू सी नॉन सीएस के लोगों से या टीम से सॉरी सीएस की टीम से नहीं निकलवा सकते. ठीक है. तो आज का जो सेमिनार वो भी हम यहीं क्लोज करेंगे नॉन सीएस बैकग्राउंड के लिए कि यस यू पीपल कैन डू इट एंड यू कैन बेटर लीड योर फ्रंट एंड कि किस तरह आप मैक्सिमम आउटपुट जो है वो कोड जो डेटा साइंटिस्ट जो कि कोड कर सकते हैं जो कि पाइथन के अंदर कोड कर सकते हैं आर के अंदर कोड कर सकते हैं टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं उनसे आप मैक्सिमम काम जो है वो निकलवा सकते हैं. सो डेटा साइंस जो है ना इट्स ऑल अबाउट अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स. इट्स नॉट अ फॉर एग्जांपल एक कह लें कि इसकी स्टेटमेंट बहुत वेग सी है, अगर इसको कहें किसी डेफिनेशन ये बनती है कि इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड जिसके अंदर आपको डेटा प्रोसेसिंग का पता हो, डेटा स्टोरिंग का पता हो, देन डेटा एनालिसिस का पता हो, डोमेन नॉलेज हो, मैथ्स एंड स्टैट्स अच्छी आती हो आपको, आपके जो है वो गुड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल्स हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों, तब जाके ना आप एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनते हैं. ठीक है. अच्छा, थोड़ा मुझे ये बताएं कि ठीक है डेटा साइंस का तो बता लिया, दूसरा हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि
डेटा साइंस को सबसे बेहतर जो है वो सीएस बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं, ठीक है, बट उसको जो अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं वो हमेशा नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताएं कि डेटा साइंस तो यू पीपल एग्री, बड़ा मुझे थोड़ा चैट विंडो के अंदर ये भी बताएं कि व्हेन इट कम्स टू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप लोगों के माइंड में क्या आता है सबसे पहले, प्रेडिक्शंस, मैथ्स, टर्मिनेटर, रोबोट्स, स्टेटिशियन, मशीन्स एक्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, मस्नूई जहानत, एमएल एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल चीज़ें, तो इसके अंदर जो है ना एआई अगर इन्वेंशन, बिल्डिंग ट्रूली इंटेलिजेंट सिस्टम, मशीन डिपिक्ट्स लाइक ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, अगर हम एआई की बात करें ना, तो एआई कहने के हम इसको एक और चीज़ में, मैं अक्सर इसकी जगह वर्ड यूज़ करता हूँ, अगर मैं एआई को आईए करके पढ़ूँ लाइक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, तो डू यू पीपल थिंक कि एआई का पर्पज़ यही है कि इंटेलिजेंट ऑटोमेट हों चीज़ें, और इंटेलिजेंस भी उस लेवल की जो कि ह्यूमन ब्रेन की होती है? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लेट्स इट्स मेक सेंस के, ठीक है। और अभी आगे चलते हैं कि आपके ख्याल में क्या ये डेटा साइंस और एआई जैसे वर्ड्स जो हैं आर दे स्टिल बज वर्ड्स, या इनकी रियलिटी के अंदर कोई वैल्यू क्रिएट हो चुकी हुई है, या ये लोग इसको यूज करना शुरू हो गए हैं, कंपनी यूज करना शुरू हो गए हैं? हाउ मच यू एग्री विद दिस स्टफ के फॉर एग्जाम्पल एआई और क्या कहते हैं उसे, डेटा साइंस जो है, दीज आर नॉट बज वर्ड्स एनी मोर? गूगल ने स्टार्ट किया, यस वेरी मच स्ट्रांगली एग्री, कंपनीज आर यूजिंग इट, ठीक है। अभी हम ना कुछ एग्जाम्पल्स पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना पॉइंट क्लियर किया कि जो है वो फॉर एग्जाम्पल कि डेटा साइंस आज के सेमिनार का पर्पस क्या है, नंबर वन। फिर सेकेंडली जो है आज के सेमिनार का जो हम इसको एंड कहाँ करेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग सेमिनार क्या था, फिर हमने पूछ देखा कि डेटा साइंस क्या चीज़ है, देन आई आस्क्ड अबाउट एआई की एआई क्या है, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन का एक जॉर्गन जो है मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। दूसरा भी मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये अभी तक, अभी हम जो आगे लेके चल रहे हैं चीज़ों को, वो ये है कि क्या ये चीज़ें खाली बज वर्ड हैं कि आर दे हैव रियली स्टार्टेड टू इम्पैक्ट आवर लाइफ, लाइक हमारा उठना बैठना, हमारा चीज़ों को यूज़ करना, इस्तेमाल करना, हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब कुछ यूज केस हैं जिसको हम देखते हैं कि यस ये जो है ना प्रिटी मच डिस्पाइट के फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो सी एस के अंदर काम नहीं करते और डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है, बट स्टिल लाइक ये चीज़ें यूज केस रियलिटी हो चुकी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन यूज केस है स्पैम का, ठीक है, स्पैम फिल्टरिंग का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेल्स आती हैं, आप इमेजिन ये करें कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल सारी ईमेल्स आपके इनबॉक्स के अंदर आना शुरू हो जाएं और आपको मैन्युअली चेक करना पड़े कि ये स्पैम थी और ये स्पैम नहीं थी, तो क्या इन ईमेल बॉक्सेस या जो आपकी ईमेल सर्वर्स हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनकी कोई वैल्यू रहेगी? और ये आइडिया ये है कि अगर आपको हर ईमेल जो है वो जो रिसीव होती है वो आपके इनबॉक्स के अंदर लैंड होती है और आपको मैन्युअली बताना पड़ता है कि ये स्पैम है, ये स्पैम नहीं है, या ये जंक है, ये जंक नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक कि आप स्टिल उसके बावजूद भी जीमेल, हॉटमेल और इस तरह के बाकी जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको यूज करेंगे, चैट विंडो में अपनी ऑप्शन दें? अच्छा, आप में से आपके ख्याल में कितनी परसेंट ऐसे चांसेस होते हैं कि आपकी ईमेल जो है वो आपके इनबॉक्स में लैंड की हुई हो आजकल और वो स्पैम हो या वो जंक हो, कितने परसेंट चांसेस हैं?
है, माइनर, बहुत कम चांसेस हैं। तो आपके ख्याल में ये जो कंपनीज हैं, ये इतनी दिन की जो मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईमेल्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करती होगी कि ये स्पैम है, ये स्पैम नहीं है? व्हाट डू पीपल थिंक? ठीक है, तो लाइक कुछ लोगों ने एल्गोरिदम्स के बारे में बताया, कुछ ने कंडीशंस के बारे में बताया, तो पॉइंट ये कि इस स्केल पे बिलियंस या मिलियंस ऑफ ईमेल्स को कोई ह्यूमन तो नहीं सेग्रीगेट कर सकता। डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI या डेटा साइंस की एप्लीकेशन है कि हम मेल्स को यूजिंग, मतलब उनका स्ट्रक्चर, जो उनका फॉर एग्जाम्पल ई मेल्स का पैटर्न होता है, उसको देख के हम सेग्रीगेट करते हैं। ई मेल सर्वर्स भी यही करते हैं। और एंड बेनिफिट क्या है उसका, कि मैं एक ईजिली विदाउट वेस्टिंग माई टाइम आई कैन ईजिली और स्मूथली जो है ना, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो कि फ्रीली अवेलेबल है। अदरवाइज अगर ऐसा ना होता तो आपके जंक या इनबॉक्स के अंदर इतनी ईमेल्स आती हैं कि इन सर्विस प्रोवाइडर्स की वैल्यू ही खत्म हो जाती। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आप लोगों में से लोन किस किस ने अप्लाई किया हुआ, कुछ बताएंगे लोग, लाइक लोन या कार लीज अप्लाई की हो? ठीक है, तो आप जब लोन के लिए लेते हैं तो आपके ख्याल में वो क्या देखते होंगे, आपकी हिस्ट्री देखते होंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्रेडिट कार्ड तो नहीं लिए हुए, बाकी बैंक से लोन तो नहीं लिए हुए। पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं है, बट जो है वो बाहर की कंट्रीज के अंदर जो है वो एक फुल फ्लेज क्रेडिट हिस्ट्री बनाई जाती है डेटा ड्रिवन, जिसकी बेस पे आपका लोन जो है वो विद इन सेकेंड जो है वो अप्रूव और डिसअप्रूव होता है। अभी पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि आप लोन लेते हैं, लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद एक अप्रूवल चेन चलता है, चार पांच बंदों के हाथ से ये सिग्नेचर होंगे, फाइल गुजरेगी, ठीक है, और देन जो है उसके बाद आपको लोन या सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, रजा अली ने कहा कि इट्स ऑलरेडी मेच्योर, ठीक है, और 15 डेज प्रोसीजर ऑलमोस्ट, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही हैं, बट स्टिल इट्स नॉट एज मच एज फास्ट या एज मच एज मेच्योर जितना के बाहर की कंट्रीज में है। ठीक है, और बाद में देखा होगा कि बाहर आपके अगर रिलेटिव रहते हैं तो वहाँ पे मॉर्गेजेस, होम मॉर्गेजेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जो हैं वो दी जाती हैं उनको, ठीक है, और बाकी सारा कुछ होता है। तो एक और एप्लीकेशन, ये जो बाहर की डेवलप कंट्रीज हैं, ये क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेबसाइट पर लैंड करवाते हैं, वहाँ से आपकी बेसिक सोशल मीडिया प्रोफाइल लॉग इन लेते हैं आपका, ठीक है, बाकी एक दो ई मेल अकाउंट्स का लॉग इन ले लेंगे, उसकी बेस पे आपका ये बताएंगे कि जो है ना क्या कहते हैं उसे, आपको हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो मैनुअल प्रोसेस जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तानी बैंकों के पास दिन की मिलियंस, ठीक है, 2-3 मिलियन लोन की रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए, तो चेक करें कि हमारे बैंक की कैपेसिटी कहाँ पहुँचेगी। तो एक दूसरा यूज केस जो कि डेवलप कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो क्रेडिट रिपोर्ट का या क्रेडिट स्कोरिंग का, जिसके अंदर इंडिविजुअली जो है वो बंदा जो है वो क्या कहते हैं उसे, विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम राइट देयर एंड देन, अपनी जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसको विद इन मिनट्स या सेकेंड जो है वो लोन मिल जाता है। अच्छा, एक और जो है फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया टेंडर्स और इस चीज़ से रिलेटेड देखें, तो आप देखें उसके अंदर आप डिफरेंट अगर स्वाइप करें राइट और लेफ्ट, ठीक है, तो आपको ना क्या कहते हैं उसे, डिफरेंट प्रोफाइल रिकमेंड की जाती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो प्रोफाइल रिकमेंड की जाती हैं, ये रैंडम होती हैं या के देर इज लाइक लॉजिक बिहाइंड इट, या हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग, मतलब ये आइडिया ये लगाते हैं कि इस फीमेल को या इस मेल को ये वाली प्रोफाइल जो है पिच होनी चाहिए? आपके ख्याल में रैंडम होता है, इट्स प्री कैलकुलेटेड
based on some reference related to your searches and profile. Like it's not blind. Like for example, अगर ये blind हो, random हो, तो definitely आप इन apps को खोलने तो जितनी addiction होती है इन apps के साथ, जितना time आप spend करते हैं, ठीक है, उससे फिर आप इतना spend ना करें. तो ये जो different apps हैं social media से related, definitely ये भी core AI या data science को use कर रहे हैं, जिसकी base पे आपका end experience जो है वो अच्छा करते हैं. अच्छा एक और बताएं कि फॉर एग्जांपल आप लोग अगर साउंड क्लाउड पे जाएं और साउंड क्लाउड पे आप कोई सॉन्ग सर्च करें, कभी आपको ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक जस्ट एक बिल्कुल 180 टाइप की जो है वो है, क्या कह लें उसे, एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपने लोकल जो है वो किसी गाने का OST सुन रहे हो, ठीक है, और उस OST के साथ आपको ना फॉर एग्जांपल कोई फोक सिंगर सिंध का जो है ना, ठीक है, उसका कोई सॉन्ग रिकमेंड होना शुरू हो जाए, अताउल्लाह का सॉन्ग रिकमेंड होना शुरू हो जाए. आपने कभी ऐसा ऐसा सिनेरियो ऑब्जर्व किया है किसी ने? ठीक है, तो मोस्टली बहुत कम चांसेस होते हैं कि ना आपको फॉर एग्जांपल कम्प्लीटली, देखें फॉर एग्जांपल यूट्यूब की एग्जांपल है, हर तरह का कंटेंट उस पर पड़ा हुआ है, बट आप जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो यूजेज है वो शेयर करते जाते हैं, वो आपको ज्यादा पर्सनलाइज और टू द पॉइंट जो चीजें हैं वो रिकमेंड करता जाता है. ऐसे ही होता है. ठीक है, तो ये भी, ये सारी अगर देखें, इमेजिन ये करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपको YouTube पे कम्प्लीटली इररिलेवेंट कंटेंट जो है वो रिकमेंड होना शुरू हो जाए, तो आपके ख्याल में जो है वो क्या कहते हैं उसे, आप लोग इतना YouTube या साउंड क्लाउड पे टाइम रिकमेंड करें स्पेंड करेंगे? जस्ट अज्यूम कि फॉर एग्जांपल आपको जो रिकमेंडेशन है वो कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक आना शुरू हो जाए, तो क्या आपका एवरेज स्पेंड पर डे ऑन YouTube और साउंड क्लाउड गिरेगा या बढ़ेगा? ठीक है, देखें अल्टीमेटली अगर आपको कंटेंट जो है जो इन इन लाइक यूट्यूब और साउंड क्लाउड या इन चीज़ों के एडिक्टिव होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि ये आपको ऐसा कंटेंट रिकमेंड करते हैं जो कि आप जैसे बिहेवियर के बाकी लोग देख रहे होते हैं, सो यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग और अपना स्पेंड टाइम जो है वो बढ़ाते जाते हैं. ये सब कुछ जो है वो रिकमेंडेशन इंजन या AI या डेटा साइंस के यूज केसेस के बगैर कुछ भी नहीं है. अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक और देखें कि गूगल मैप्स की एग्जाम्पल लें. मैप्स आप हर बंदा यूज़ करता होगा. आपने फॉर एग्जाम्पल किसी जगह जाना है और आपने सर्च किया कि मैंने यहाँ पहुँचना है, और अगर जो है वो आपको पाथ जो है वो ऐसा दे दे जो लेंथीस्ट, हर दफ़ा जो है वो रैंडम पाथ दे, कभी शॉर्टेस्ट पाथ ना दे, ठीक है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ना दे, या आपसे पूछे कि ये चार ऑप्शन हैं आप मुझे बताएं किस ऑप्शन के थ्रू जाना है आपने, तो आपके ख्याल में ईज़ ऑफ यूजिंग गूगल मैप्स जो है वो बढ़ेगी कम होगी? Like rather than कि Google Maps आपको recommend करे कि ये shortest path है, ठीक है, in terms of time and in terms of mileage, तो और आपसे पूछे कि ये पांच option है इसमें से choose कर लो जिससे जाना है, तो क्या Google Maps की जो है वो addiction या उसकी usage आपके day on day life के अंदर गिरेगी या बढ़ेगी? यस देखिए मेन चीज़ ये है कि इन ऐप्स के अंदर जो अभी तक इतनी एग्जांपल है ना, हम ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ये विदाउट स्पेंडिंग आवर टू मच ऑफ टाइम ये हमें जो बेस्ट डिसीजन होता है ना उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता पुश करते हैं. तो ये भी सारा AI और मशीन लर्निंग या जो आपकी डेटा साइंस की डोमेन है उन्हीं के थ्रू हो रहा है. अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स स्टोर पर जाते हैं, अली एक्सप्रेस पर जाते हैं, अमेजोन पर जाते हैं, तो कितनी दफ़ा ऐसे हुए, हाउ मेनी टाइम्स आप इमेजिन करें कि आपने कहा कि यार ये मैंने प्रोडक्ट सिर्फ देखना है, उसके बाद ना मैं 2 सेकंड के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन देख के इस प्रोडक्ट से एग्जिट मार जाऊंगा, कितनी दफ़ा हुआ है आपके? या फिर आप ऐसे होता है कि आप यू प्लान कि मैं अच्छा जी ई कॉमर्स स्टोर फॉर एग्जाम्पल अली एक्सप्रेस 2 सेकंड के लिए खोलता हूँ, 2 मिनट के लिए खोलता हूँ, उसके बाद फिर मैं कोई और काम करना चाहिए? हमेशा ऐसे ही होता है कि हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट होते हैं तो आगे जो है हम चीज़ें एक्सप्लोर करते जाते हैं.
ऐसा ट्रू है या नहीं है? लाइक यू स्टार्ट विद वन प्रोडक्ट एंड यू एंड अप विद एक्सप्लोरिंग जो है वो 100 ऑफ प्रोडक्ट्स. अच्छा, दूसरा ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल किचन के आइटम देख रहे हो अली एक्सप्रेस पे और आपको जो है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स रिकमेंड होना शुरू हो जाएं? हाउ मेनी टाइम्स? नॉट 100% बट लाइक 99% ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं होता, बट कुछ ट्रेंड्स के अंदर एक डिफरेंट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल आप किचन के आइटम देख रहे हैं तो आपको फार्मिंग के आइटम दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है? उसकी भी रीजन वो जो इररिलेवेंट कह लें रिकमेंडेशन दे रहा होता है वो शायद हमें इररिलेवेंट लग रही हो, बट हमारे जैसे कोई और बंदा जो कि किचन के आइटम देखने आया था उसने साथ में इंक्वायर किया था फार्मिंग के आइटम या देखे फार्मिंग के आइटम्स भी थे, वहां से वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि पीपल हु हैव आल्सो फॉर एग्जांपल सर्च फॉर किचन आउट ऑफ 20-30% दोज पीपल उन्होंने फार्मिंग के भी आइटम्स देखे हैं, ठीक है? बट मोस्टली ये होता है कि आपको रिकमेंडेड एक पूरी यूनिवर्स खुल जाती है और आप उसको फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मैक्सिमम उनके प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सप्लोर कर लें. अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं एक और चीज के उबर और क्रीम, आपके ख्याल में उबर और क्रीम जो है वो आपने देखा होगा अक्सर पीक फैक्टर लगाते हैं, तो पीक फैक्टर लगाने का पर्पस क्या है? अर्न मोर पैसा, इंक्रीज प्रॉफिट. तो आपके ख्याल में कोई पीक फैक्टर पीछे बैठ के कोई बंदा मैन्युअली इंटर कर रहा होता होगा या क्या होता है? अब इमेजिन ये करें कि उबर और क्रीम जिस स्केल पे काम करते हैं, अगर कोई मैनुअली बंदा बैठ के पीछे एंटर करना शुरू कर दे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बाद के लिए हर घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद एक नया पीक फैक्टर हर एरिया के लिए, इमेजिन करें कि पूरी उबर और क्रीम के लिए वर्ल्ड वाइज नहीं, हर एरिया के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कराची के अंदर जो है वो अगर वो लेट्स सपोज 20x20 किलोमीटर का एरिया, तो डेफिनेटली हर जगह पीक फैक्टर डिफरेंट होता है, ठीक है? हो सकता है कि 1x1 के मैट्रिक्स के अक्रॉस पीक फैक्टर डिफरेंट होगा, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये भी उबर और क्रीम भी AI या जो है वो आपकी डेटा साइंस रिलेटेड डोमेन्स ही यूज करते हैं जिसके थ्रू ये आगे चीजें लेके चलते हैं. फिर अगर हम देखें तो HR, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल इसके हम यूज केसेस आगे जाके डिस्कस करते हैं. अच्छा, आपके ख्याल में कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं, कोई कंप्लेंट लिखते हैं, तो आपको जो है वो कोई ह्यूमन बीइंग ने आंसर किया हो या किसी चैट बॉट ने या कंप्यूटर ने ऑप्शन किया हो? लाइक हाउ मेनी टाइम यू हैव ऑब्जर्व दिस कि आपने किसी वेबसाइट पे गए हैं, चैट की विंडो अनेबल थी और आपने वहां पे कुछ मैसेज वगैरह भेजे हैं और आपको ह्यूमन रिप्लाई करते हैं या क्या करते हैं? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि चैटबॉट्स इज अनदर एग्जांपल जो कि इर्द गिर्द अभी पाकिस्तान या डेवलप कंट्रीज के अंदर ये इतना पॉपुलर नहीं है कॉन्सेप्ट, बट डेवलपिंग डेवलप कंट्रीज के अंदर जो है ये जो एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा जो है वो मैच्योर हो चुका है और ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन जो अब चैटबॉट्स पे जाना जा रही है कि इंस्टेड के वो फॉर एग्जाम्पल 100 या 1000 ऑफ लोग रखें अपने एंड पर, उसकी बजाय एक मशीन रखेंगे वो मिलियंस ऑफ क्यूरीज को विद इन सेकेंड्स जो है वो आंसर कर रहा होगा, ठीक है? और पॉइंट ये है कि कॉस्ट और चीजों को ऑटोमेट करना कि वही ब्रेन जो कि लोगों को रिप्लाई कर रहे थे वो मे बी बिजनेस के किसी और हिस्से में शिफ्ट हो सके, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा खुद टेलीकॉम से एक्सपीरियंस है, तो फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो SMS रिसीव होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल के अपना फोन रिचार्ज करें और 50 रुपए का जो है 50 रुपए का फोन रिचार्ज करें और 1 GB का डेटा फ्री लें या 100 फ्री मिनट्स ले लें, आपके ख्याल में ये सारे जो है वो मैसेजेस आपको रैंडम आते हैं या वो लोगों को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं को मैसेज भेजा जाता है या पूरी जो है वो कह लें उसको कस्टमर बेस को भेजा जाता है मैसेज, आपके ख्याल में क्या होता है टारगेट मार्केट?
मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर बेस फिल्टर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस कस्टमर सेगमेंटेशन, ठीक है. तो पॉइंट ये है कि इवन पाकिस्तान के अंदर भी हम बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं ऐसे इस चीज से तंग आते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज बहुत ज्यादा एसएमएस करती हैं, बट स्टिल दे आर यूजिंग क्वाइट इनहेंस लेयर ऑफ एआई या मशीन लर्निंग, जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस बंदे को हमें किस तरह की ऑफर देनी चाहिए और टारगेटेड होती है वो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल होती है. तो इन सारे यूज केसेस का पर्पज ये था कि ये जो एआई ये डेटा साइंस है ये बज वर्डिंग है, ठीक है. हमारी जिंदगी का 24/7 जो है वो हम एआई या डेटा साइंस ओरिएंटेड डोमेन्स या एआई या डेटा साइंस ओरिएंटेड एप्लीकेशन से जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर काफी ज्यादा जो है वो हिस्सा बना चुकी हैं, ठीक है. वी आर क्वाइट मच डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, राइट. डू यू पीपल एग्री कि ये जो है ये चीजें अब बज वर्डनिंग है, डेटा साइंस एंड एआई जो है वो बज वर्डनिंग है. आप इस इमेज को देखें कि आप देखें कि दीज थिंग्स आर नाउ नॉर्म्स. आप ना चाहते हुए भी एआई और डेटा साइंस के जो आउटपुट है, जो उसकी क्या कह लें उसके यूज केसेस हैं, उससे आप जो है वो फायदा जरूर उठा रहे हैं. अच्छा, अगर हम ये देखें तो हाउ कैन यू इमेजिन के फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जिंदगी के 24/7 के अंदर से कोई भी ऐसा मिनट नहीं है जिसमें एआई या डेटा साइंस से ना इंटरेक्ट कर रहा हूँ, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट डाउन द रोड इफ यू आर वर्किंग इन एन एंटरप्राइज और इस एंटरप्राइज के अंदर जो है वो आपको डेटा साइंस या एआई का ना पता हो, आपके ख्याल में आप रेलिवेंट रहेंगे या नहीं रेलिवेंट रहेंगे? अ पर्सन हु हैज अ गुड फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन अजम्पशन गुड मार्केटिंग स्किल्स बट डोंट हैव दी इनफ नॉलेज अबाउट एआई एंड डेटा साइंस, क्या डाउन द रोड आफ्टर 5 to 10 years क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट रहेगा या नहीं रेलिवेंट रहेगा? दोबारा रिपीट करता हूँ, एक एक अच्छा मार्केटिंग का बंदा जो के मार्केटिंग उसको बहुत अच्छी जानती है जानता है, ठीक है, बट उसको डेटा साइंस और एआई बिग डेटा डेटा एनालिटिक्स इन चीज़ों का नहीं पता, तो क्या वो रेलिवेंट रहेगा? वो इररिलेवेंट हो जाएगा, यस, क्योंकि ये चीजें अब रियलिटी हो गई हैं. इवन एक जो है ना वो गार्टनर की और एक फोर्ब्स की एक स्टडी है जिसके अंदर ये है कि बाय 2025, ठीक है, इट्स अ स्किल जो कि सेकेंडरी स्किल होगा बट ये मस्ट टू हैव होगा. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ डॉक्टर बट यू आर गुड डॉक्टर ओनली इफ यू नो अबाउट एआई एंड डेटा साइंस, यू आर मार्केटिंग पर्सन यू हैव अ डिग्री इन मार्केटिंग पर्सन बट यू आर ओनली गुड आर यू आर ओनली एक्सेप्टेबल इफ यू हैव अ सेकेंडरी स्किल ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर बट यू आर ओनली गुड आर यू आर ओनली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट इफ यू हैव सेकेंडरी स्किल ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ठीक है. तो ये एक प्रूवन स्टडी है कि बाय 2025 इट्स अ सेकेंडरी स्किल विच शुड बी अ मस्ट टू हैव अक्रॉस ईच स्किल, ठीक है, या इवन डाउन द रोड ये भी होगा कि अभी जो करिकुलम्स हैं उनके अंदर भी चीजें ऐड होना शुरू हो जाएंगी ताकि सेकेंडरी स्कूल जो है वो ग्रेजुएशन और जो पोस्ट पीजी की क्लासेस हैं उसके अंदर से भी चीजें स्टार्ट होना शुरू हो जाएं, ठीक है. अच्छा, अब दोबारा मुझे बताएं यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमने ये क्लियर कर लिया कि एआई और डेटा साइंस एक ऐसा स्किल है जिसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है. तो आप ये बताएं कि अब मुझे थोड़ा बताएं, इनपुट दें कि व्हाट इज डेटा साइंस, आपके ख्याल में डेटा साइंस क्या है और जो यूज केसेस हमने पहले डिस्कस किए हैं उनमें क्या फर्क है? जस्ट शेयर योर इनपुट कि व्हाट इज डेटा साइंस, अगेन आफ्टर शेयरिंग दी यूज केसेस आपके ख्याल में क्या आ रहा है कि डेटा साइंस क्या है? डेटा ड्रिवन डिसीजंस, एनीथिंग एल्स? मेरे घर में जो बेस्ट लाइन अगर मैं जिसको आगे एक्सप्लेन करना चाहूंगा ना, मैं यूज करूंगा जवाद अहमद ने जो रिप्लाई किया ऑन नेट नेट डेटा ड्रिवन डिसीजंस, के हम जो है समहाउ मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट कर दें बेस्ड ऑन डेटा कि वो जो है वो चीजों वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करना शुरू कर दें.
तो डेटा साइंस इज अ सबसेट ऑफ एआई, जहाँ पे हम प्योरली हिस्टोरिक डेटा और डेटा की बेस पे हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने डिसीजंस ले सकें. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड के मैं हर बंदे को लोन दूँ और हर बंदे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूँ, तो क्यों ना मैं एक वेबसाइट के थ्रू जो है वो इनिशियल स्क्रीनिंग कर लूँ, ताकि अगर मुझे कुछ लोगों की लोन के लिए फाइल चलानी भी पड़े तो मुझे कम लोगों की जो है फाइल चलानी पड़े. फॉर एग्जाम्पल, आपको जो मैसेज आता है टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से कि 50 रुपीज़ का रिचार्ज करें और इतना जो है वो बेनिफिट ले लें, तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग टू कंप्लीट बेस, व्हाई नॉट ओनली ऑफर टू दोज कस्टमर जिन्होंने वाकई अपनी सिम बंद कर देनी है. ठीक है, तो डेटा साइंस इज अ बिगर फील्ड, या कह लें कि मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि तीन डिफरेंट फील्ड हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी, मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स, और थर्ड जो है डोमेन नॉलेज या बिजनेस नॉलेज. ठीक है, इन तीनों को अगर हम मिक्स करते हैं या इनका ओवरलैप लेते हैं, तो डेटा साइंस जो है वो इस जगह एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जहाँ से ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल जितने भी ऊपर यूज केसेस हमने हाईलाइट किए हैं, वो आंसर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि डेटा साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. अगर हम आगे चलें तो आप ये बताएं कि इस स्लाइड को देख के आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, लाइक व्हाट आई वांट टू ट्राई टू मतलब शेयर विद यू पीपल, कि इस स्लाइड के अंदर से क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका थीम क्या हो सकता है. प्लीज शेयर योर इनपुट इन टेक्स्ट मैसेज. कोई इनपुट के आपके ख्याल में जो है वो इनपुट प्रोसेस, मतलब इस स्लाइड का की समरी क्या हो सकती है, या बेस्ट वन लाइनर इस स्लाइड के लिए क्या हो सकता है. ठीक है, देखें यहाँ पे जो एक चीज हाईलाइट करने वाली बात है ना, कि व्हाई डेटा साइंस एंड एआई इज लाइक बिकमिंग अ बज वर्ड एंड बिकमिंग अ रियलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी, क्या है. एक जो कन्वेंशनल हम जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम डेटा पकड़ते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रूल्स लगाते हैं और फिर हम एक आउटपुट देखते हैं, ठीक है, या आंसर देखते हैं. फॉर एग्जांपल, जो लोग एक्सेल में काम करते हैं, जब उनको डेटा एनालिसिस करना पड़े, तो देखें वो डेटा एनालिसिस जो है वो किस तरह करते हैं. वो डेटा एनालिसिस जो है वो इस तरह करते हैं कि डेटा को एक्सेल के अंदर लोड किया और उसको एनालाइज करके, उसको एक्सप्लोर करके रूल्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, ये कि अगर इस रेंज से इस रेंज तक का, फॉर एग्जांपल एज जो रेंज होगी, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल यंग कहूंगा या इसको टीन कहूंगा, इससे इस रेंज में होगा तो मैं इसको ओल्ड कहूंगा या एडल्ट कहूंगा. तो इस तरह के रूल्स हम अपनी लर्निंग से लगा रहे होते हैं, ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल, ये कि मेरे पास लोगों की एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन का डेटा आ गया, अब मैंने ये देखना है कि किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना, ठीक है. वो मैं रूल्स खुद आइडेंटिफाई करके एक्सेल के ऊपर लगाता हूँ और फिर आंसर गेट करता हूँ. तो जो लोग एक्सेल यूज करते हैं वो बताएं ऐसे ही होता है. एक्सेल के अंदर आपके पास डेटा आ गया, आप उसके ऊपर रूल्स मैन्युअली लगाते हैं और फिर उसके बाद आपको आंसर मिलता है, ऐसे ही होता है. और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम क्या होता है, जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम क्या होता है, उन रूल्स को ढूंढना कि कौन से रूल मैंने लगाने हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने, आप एग्जाम्पल ये लें कि आपके पास शीट आ गई कि ये कल के दिन में इन 10,000 लोगों ने लोन की एप्लीकेशन दी है, तो इनमें से किन 100 लोगों को मैंने लोन अप्रूव करना है. आपका मैनेजर ने आपको एक शीट दे दी है, आप ये बताएं कि आप क्या करेंगे कि आप वो 100 लोग आइडेंटिफाई करें. आप एनालिसिस करेंगे, आप रूल्स ढूंढेंगे, और वो टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं होगा वो रूल्स ढूंढना. ठीक है, और विदाउट एक्सपीरियंस ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो रूल्स बना सकें, ये बात भी आप एग्री करते हैं. अगर आपको बैंकिंग का डोमेन नॉलेज नहीं है, आपको जो है वो उसका बिजनेस नॉलेज नहीं है, तो आप वो रूल्स बना ही नहीं सकते. आप बेशक जो है वो अगले साल पूरे लगे रहें, आपके मैनेजर ने कहा था कि मुझे सुबह तक इसमें से बताओ कि 10,000 में से किन 100 लोगों को मैंने जो है वो लोन देना है सुबह, ठीक है, आप बेशक अगले पूरा साल लगे रहें और आपको बिजनेस नॉलेज ही नहीं पता, तो आप वो 100 लोग राइटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते
या हो सकता है कि आप रूल्स लगा भी लें, ऐसे रूल्स लगाएं कि उन 100 लोगों को लोन दे दें जिन्होंने 100 के 100 ही डिफॉल्ट कर दें, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग काम क्या होता है कन्वेंशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर, के डेटा को लेके हम रूल भी अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग की बेस पे खुद लगाते हैं जो हमने ओवर द ईयर सीखे होते हैं। बट जो एआई या डेटा साइंस है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। ये क्या करती है, आप कहती है ये फील्ड ये कहती है कि मुझे डेटा दें और मुझे आंसर दें। लाइक हिस्ट्री में आपने जो डिसीजन लिए थे, फॉर एग्जाम्पल पिछले महीने जो आपके पिछले मैनेजर ने आपको 1000 या 10,000 लोगों का नंबर दिया था और उसमें से आपने 100 लोगों का लोन अप्रूव किया था, ठीक है, बस मुझे वो लिस्ट दे दो और मुझे ये बता और मैं तुम्हें ये बताऊंगी, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल क्या ऐसे रूल्स होंगे जिनकी बेस पे तुम्हें आने वाले दिनों में जो एप्लीकेशन आएंगी उनको लोन देना होगा, ठीक है। इन दोनों डायग्राम्स के अंदर फर्क समझ गए, लाइक इनपुट डेटा और रूल्स हैं, और डेटा साइंस के अंदर क्या डेटा और आंसर्स हैं, और आउटपुट में क्या डिफरेंस है आपकी आंसर वर्सेस रूल्स। ये पिक्चर सबको क्लियर होगी, लाइक मेन डिफरेंस क्या है। दिस इज द पॉइंट जहां से आपको ये पता लग जाए कि यार फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कल की अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लोग क्यों रखे जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको रूल्स पता होते हैं, उनको डोमेन नॉलेज पता होती है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल लोन देने के लिए अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई इंटर्न रख लूँ जिसको इनफ नॉलेज हो, तो डेफिनेटली जो है मैं क्या करता हूँ कि उन्हीं लोगों को हायर करूंगा अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो सेम गोज ट्रू हेयर कि कन्वेंशनल में और जो आपका एडवांस डेटा साइंस एंड एआई मॉडलिंग उसके अंदर फर्क ही क्या है कि एआई बताती है आपको कि तुम मुझे डेटा दे दो, मुझे अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दो, और जो है मैं तुम्हें रूल्स बताऊंगी कि ये रूल्स हैं, ये लर्निंग है। कन्वेंशनल में क्या होता है कि एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीजें जो है वो ज्यादा मैटर करती थी, जिस वजह से ज्यादा चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती थी। अच्छा दूसरा अगर हम आगे चलें तो देखें, हम जो लोग एक्सेल में या नॉन सीएस बैकग्राउंड से लोग हैं वो देखें कि क्या हम लेफ्ट साइड वाली अप्रोच अभी तक फॉलो करते हैं जिसमें हमारे पास डेटा होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, एक्सेल होता है, और हम क्या करते हैं कि यार अगर कुछ बुरा हुआ है तो हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यार बुरा क्यों हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरी सेल बढ़ गई तो क्यों, वाई के पीछे हम ज्यादा भाग रहे होते हैं, ऐसे ही हो रहा है, लाइक व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड, व्हेन हैपेंड, कि कुछ हुआ कब हुआ क्यों हुआ, इससे आगे हम जाते ही नहीं है जो लोग एक्सेल में काम करें। ऐसे ही है, हालांकि आपकी जो कोर एक्सपर्टीज हैं वो तो आप इसलिए हायर किए गए थे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करें, और आप उस स्टेज पे कभी पहुंचते नहीं है। बट जो डेटा साइंस है वो आपको ये कहती है कि आप जो है अपने प्रॉब्लम और मुझे डेटा दे दो, उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रपोज करूंगी कि उसका क्या सोल्यूशन है, ये व्हाट्स द रीजन, ठीक है। अगर जो है वो चीजें जो है वो क्या कह लें उसे इम्प्रूव करनी है, आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो मुझे हिस्टोरिक डेटा और हिस्टोरिक सेल्स ट्रेंड दे दो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह जो है वो तुमने अपनी सेल्स बढ़ानी है फ्यूचर के अंदर। सो ये लेफ्ट जो पूरी वर्ल्ड है वो मूव हो रही है लेफ्ट साइड के आर्किटेक्चर से राइट साइड के आर्किटेक्चर पे, कि जहाँ पे मैं फोकस हो सकूँ इंस्टेड के मैं अपने प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, मैं अपना सारा फोकस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगा सकूं। दैट्स व्हाई जो डेटा साइंस है, ठीक है, वो ज्यादा क्या कह लें कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आती जा रही है और बाकी चीजें ज्यादा इंक्लूड होती जा रही हैं। अच्छा अगेन फिर जो पिछले डायग्राम थी, देखें कि ये कन्वेंशनल है डायग्राम जहां पे डेटा रूल्स इनपुट में है और आंसर आपको आउटपुट में मिलते हैं, और जो आपकी डेटा साइंस वाली अप्रोच है उसके अंदर क्या है, डेटा और आंसर जो है वो इनपुट में है और रूल्स जो है वो आउटपुट पे हैं, ठीक है। अब दोबारा लाइक यहां तक भी आ गए, अब बताएं, अब मुझे दोबारा ये बताएं कि कुछ डेटा साइंस के बारे में आपकी लाइक अजम्पशन चेंज हुई हैं कि डेटा साइंस है क्या या क्या चीजें हैं, कुछ क्या अजम्पशन अभी तक चेंज हुई, लाइक बिफोर स्टार्टिंग द सेमिनार एंड एज ऑफ नाउ इन द सेमिनार, you people are still standing in same assumption, same understanding about data science, yeah it's changed little bit ke aapko skill set seekhna chahiye ya nahi seekhna chahiye,
मुझे थोड़ा चैट विंडो में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं एज ऑफ नाउ फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन का, देन वी विल जंप टू सेकंड हाफ ऑफ द सेशन. मस्ट रिक्वायर्ड स्किल, मस्ट टू लर्न. यस, इम्पोर्टेंट फ्रॉम जॉब, मस्ट. अच्छा ये बताएं, ठीक है चलें, ये चीज आपको रियलाइज होगी जब आप गूगल करने बैठेंगे तो आप देखें कि इसके अंदर मैंने डिफरेंट इस डायग्राम, ये एक मैंने पब्लिकली कॉपी किया है, इसके अंदर देखें डिफरेंट जो है वो आइटम्स हैं या लाइन लिखी हुई हैं या एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. तो आपके ख्याल में जब आप डेटा साइंस को सीखने जाते हैं, ठीक है, तो आप इन्हीं फील्ड्स को देख के थोड़ा घबरा नहीं जाते कि यार इतना काम है, इतनी बड़ी फील्ड है, ये है वो है, इतनी ज्यादा टेक्निकल फील्ड है, ये आता है माइंड में? देखिए जो जो कह लें कि डेटा साइंस जब स्टार्ट करते हैं ना, सबसे बड़ा जो फियर हमें क्यों लगता है या हमें ये जर्नी डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि ये एक कोर कह लें या एक जो है वो डेडिकेटेड टाइप स्किल सेट नहीं है. इट्स अ नेम ऑफ मल्टीपल स्किल सेट्स जो कि मिल के आपको डेटा साइंस सिखाते हैं. ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैथमेटिक्स सीख लिया है तो यू कैन से डेट ओके आई हैव लर्न अबाउट डेटा साइंस या मैं डेटा साइंस कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. या आपने डेटा बेसिस के बारे में सीख लिया तो यू कैन से कि यार मुझे मशीन लर्निंग या डेटा साइंस आती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. जो सबसे बड़ी हर्डल आती हुई आती है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फील्ड्स. जब तक आपको इन मल्टीपल फील्ड्स के बारे में नहीं पता लगेगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि आप जो है ये सारा काम या डेटा साइंस कर लेंगे. अच्छा अब दूसरा थोड़ा आगे चलते हैं फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ जो हमारा सेमिनार है इसका, जिसके अंदर हम ये क्लियर करेंगे कि यार अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं और यू पीपल हैव लर्न्ड के यार ये चीज़ रियलिटी बनेगी आने वाले सालों के अंदर और आप इस पे अगर काम करना चाहते हैं, तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ कोई स्किल सेट थ्रू सीखना हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? लर्निंग जर्नी, टूल्स, रिसर्च. अगर मैं इतने कम्प्लेक्स सिंपल से आंसर्स को ये कर दूं कि हम गूगल करते हैं सबसे पहले, ऐसे ही होता है? ठीक है, वी स्टार्ट लाइक इट्स इज नाउ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ गूगल. कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कुछ हो, मैंने हेल्प लेनी हो तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग People around me, I would prefer कि मैं Google पे सर्च करूँ, ऐसे ही होता है, ठीक है. सेम goes टू फॉर कि मैंने अगर कुछ स्किल सेट सीखना है तो मैं सबसे पहले Google करूँगा. और जब हम Google करते हैं, ठीक है, तो जितने भी ये नॉन सी एस बैकग्राउंड के लोग हैं, मार्केटिंग, सेल्स, एच आर के लोग हैं, तो ये देखें कि ये इनमें से इन टूल्स पे लैंड करते हैं. लाइक आपको ये डिफरेंट जॉर्गन, डिफरेंट टूल्स, इतनी ज़्यादा एक लंबी लिस्ट मिलती है देखने को. ठीक है, अब सर्च करेंगे तो आपको जो है वो इसमें से मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी. तो जब आप इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि इट्स ऑल अबाउट कोडिंग, ऐसे ही होता है? लाइक जितने भी नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोगों ने ट्राई किया है डेटा साइंस सीखने के लिए, क्या उनको ये अजम्पशन होती है गूगल करने के बाद कि हाँ ये जो है ना ये कोडिंग, या ये कोई मेरा फलां दोस्त है जो कि अच्छी वेबसाइट बना लेता है ये तो उसका काम है, या मेरा फलां दोस्त है जो मोबाइल ऐप अच्छी बना लेता है ये उसका काम है, ऐसे ही होते हैं ना? उसके बाद क्या होता है कि जब जी जो हम जैसे नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो इस तरह फील करते हैं कि यार मैं तो पता नहीं इस दुनिया में क्यों आ गया था, यार पे तो कोडिंग के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसे ही फील होता है. और बंदा कहता है कि यार ये मैं कहाँ पे आ गया. और उसके बाद क्या होता है कि हम लैपटॉप बंद करके हम कहते हैं यार चलो कुछ और देख लेते हैं. लाइक जो बेसिक स्टेप है ना गूगल खोलने के बाद
मतलब मैंने टाइम लगाना है स्किल सेट को सीखने के लिए, मैं वहां तक ही नहीं जाता, मैं पहली पहली जर्नी नहीं क्लियर कर पाता। उसकी रीजन क्या है कि एक बहुत बड़ी कह लें कि एम्बिगुटी एग्जिस्ट करती है कि यार ये खाली जो है ना वो सीएस के बैकग्राउंड के लोगों का काम है। देखिए सीएस के बैकग्राउंड के लोग ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बट जब तक उनको कोई डायरेक्शन नहीं देगा, जिनके पास डोमेन नॉलेज नहीं है, तब तक उनका काम भी मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं होगा। ये बड़ी कंपनीज लाइक जितनी भी आपको एग्जाम्पल दी है, वहां पे जो है वो सबसे बड़ा यही जो विन विन सिचुएशन होती है उनके लिए, वो यही होती है कि वहां पे डोमेन नॉलेज या बिजनेस या नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो डेटा साइंस की टीम्स को मेनली लीड करते हैं, या बिजनेस प्रॉब्लम, जिनको बिजनेस प्रॉब्लम बेहतर तरीके से पता है, हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे डेटा साइंस जो है उन लोगों के थ्रू लीड करवाई जाती है, वहां पे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल मिलती है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं कि ठीक है आप लोगों को यहाँ तक कोडिंग, बट अभी जब हम सेशन के आगे चलेंगे तो क्या कहते हैं उसे, जो है वो आपकी चीजें मतलब इस फियर को हम किस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखें हमने पहले एक चीज अज्यूम की थी। सबसे पहले तो ये देखें कि इट्स नॉट समथिंग कि आप लोग ये समझें कि जो सीएस बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको डेटा साइंस में इंटर होने के लिए एक एज होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे सीएस बैकग्राउंड का बंदा है चाहे नॉन सीएस बैकग्राउंड का बंदा है, उन दोनों के लिए एफर्ट टू स्टार्ट देयर कैरियर इन डेटा साइंस वो इक्वल है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमने पहले डेटा साइंस को जो है वो डिफाइन किया है कि इसका मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, इसके अंदर तीन डिफरेंट फील्ड्स का कम्बिनेशन होता है और उन कम्बिनेशन की बेस पे हम जो है वो आइडिया लगाते हैं और डेटा साइंस की फील्ड को अनेबल करते हैं। आपके ख्याल में इस स्लाइड को देख के आपके ख्याल में आपके माइंड में क्या आता है, लाइक व्हाट आई वांट टू कन्वे इस स्लाइड के थ्रू आप लोगों से, ऑडियंस को अपनी, के लाइक कीपिंग इन माइंड कि डेटा साइंस है मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड और वी आर डिस्कसिंग कि यार नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए कोडिंग से, उसकी रीजन क्या है? ठीक है, तो मैं क्या इस चीज में हाईलाइट इस स्लाइड के अंदर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपना फियर खत्म करें, ये फियर खत्म करें कि सीएस वाले बैकग्राउंड के बंदे को कोई एज होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एज क्या होता है, जो दोनों लाइक आईटी वाले बंदे के पास एज क्या होता है, कंप्यूटर या आईटी का, उसको कंप्यूटर आईटी का ज्यादा पता होता है। जो नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा होता है उसके पास एज क्या होता है, बिजनेस नॉलेज, डोमेन नॉलेज। ठीक है, तो आउट ऑफ थ्री एक नॉन सीएस बैकग्राउंड का बंदा है या सीएस बैकग्राउंड का बंदा है, दोनों की कंप्लाइंस विद डेटा साइंस स्किल सेट जो है वो 33% है। ठीक है, सीएस बैकग्राउंड के बंदे को मैथ्स एंड स्टैट्स और बिजनेस नॉलेज सीखना पड़ेगा और नॉन आईटी के बंदे को मैथ्स एंड स्टैट्स और कंप्यूटर आईटी सीखना पड़ेगा, नॉट एज मच एज जितना कि उसको पता है सीएस वाले बंदे को, बट स्टिल एक स्किल सेट सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले अपना ये फियर खत्म करें कि अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है तो डोंट स्टार्ट, मतलब इस चीज को भूल जाएं कि सीएस वाले बंदे को आपके कोई के ऊपर कोई एज है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने और आपने सेम ही रेस के अंदर भागना है और दोनों ने दो स्किल्स सीखने हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा जो है वो सबसे पहले जो है ना वो 3x3 स्किल सेट पूरे कर जाता है। ठीक है, वो आईटी का बंदा भी कर सकता है, हो सकता है कि ऐसा ऐसा भी आईटी का बंदा हो सकता है जिसको कंप्यूटर आईटी तो बहुत अच्छा था बट उसको डोमेन नॉलेज ही नहीं समझ आती, ऐसा होता है ना। सिमिलरली ऐसे लोग भी होते हैं बिजनेस के अंदर जो के बिजनेस को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं बट जो है वो क्या कह लें कंप्यूटर या आईटी से वो थोड़ा दूर भागते हैं। तो ये रियलिटी है कि नहीं है रियलिटी? ठीक है, तो पॉइंट ये क्लियर करें कि इफ इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन सीएस बैकग्राउंड तो कोई हर्डल नहीं है, ये आपके का जो दोस्त जिसने सीएस किया हुआ है और आप जो नॉन सीएस जिसने एमबीए किया हुआ है, इन दोनों ने अगर डेटा साइंस सीखनी है तो इन दोनों की जर्नी या इन दोनों का जो ट्रैक है वो सेम है। दे आर इनिशियली 33% कंप्लायंट, क्योंकि उनकी कंप्लायंस 33% है, बाकी जो 67% कंप्लायंस है वो उन्होंने ओवर द टाइम बिल्ड करनी है। सबसे पहले ये फियर करें खत्म। अच्छा, फिर आगे अगर चले ना, आगे ये कि इससे सिक्वेंशियल प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं।
सबसे पहले जो है वो लर्न, मतलब आपको पता है कि अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा आजकल हमें फाइलों में तो नहीं मिलता ना, हमें डेटा मतलब वो हार्ड कॉपी वाले पेजेस, वाइट पेजेस पे प्रिंट होकर तो नहीं मिलता ना डेटा, हमें फाइल्स के अंदर मिलेगा, हमें डेटाबेस के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कोई टूल सीखना है, टूल या लैंग्वेज ऐसी जो कि आपको हेल्प करे कि आप स्टोर डेटा, जो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर डेटा है उसको आप मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जितना भी डेटा साइंस के अंदर मैथमेटिक्स या स्टैट्स इन्वॉल्व होती है उसकी बेसिक सीखें। अब ये देखें कि आईटी वाले बंदे को भी मैथ्स आती है और नॉन आईटी वाले बंदे को भी मैथ्स आती है, तो ये भी कॉमन ग्राउंड हो गया, ठीक है। और फिर थर्ड जो आता है ना वो डेटा साइंस की अंडरस्टैंडिंग आती है। तो इट्स अ थ्री वे प्रोसेस। इस रेस के अंदर दोनों जो है ना, वो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आईटी वाला बंदा जो है वो फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप तक फास्ट भाग आए, सीएस वाला बंदा जो है वो सॉरी आईटी वाला बंदा फास्ट आ गया फर्स्ट से सेकंड स्टेप पे और नॉन आईटी वाला बंदा स्लो स्लो आ रहा है। बट फ्रॉम सेकंड टू थर्ड स्टेप हो सकता है कि सीएस बैकग्राउंड वाला बंदा यहाँ पे स्लो हो जाए और नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला बंदा जो है वो फास्ट हो जाए, ठीक है, समझे आप। तो कहीं ना कहीं पे जो आपको दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा फिर अगेन जो आगे चलें तो ये चीज एक आप लोगों को क्लियर हुई है कि कुछ कॉन्फिडेंस आया कि फॉर एग्जाम्पल कि दोनों जो हैं लोग उनको क्या कहते हैं उसे, नॉन सीएस या सीएस बैकग्राउंड के लोगों को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, कुछ इस चीज पे क्लैरिटी हुई है आप लोगों को। अच्छा आगे चलते हैं जी, हमने टूल्स की बात तो की है, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा जो फियर है जो जब नॉन सीएस बैकग्राउंड का बंदा जो है वो सर्च करता है डेटा साइंस के बारे में, तो उसको सबसे बड़ा फियर क्या लगता है बताएं, यही पाइथन और आर सुन के जिसकी कोडिंग देख के ये सबसे बड़ा फियर होता है ऐसे ही है? अच्छा आप ये बताएं आप में से एक्सेल कितने लोगों ने यूज किया हुआ है? अच्छा ये बताएं कि आप एक्सेल पे फॉर एग्जांपल लाइक एक्सेल डेटा एनालिसिस के यूज करते हैं, आप ये बताएं कि जब 1 मिलियन से ऊपर का काउंट हो जाता है फिर आप क्या करते हैं? अगर एक्सेल के अंदर 1 मिलियन की रोज से ज्यादा का काउंट हो जाए फिर क्या आप करते हैं? पावर बी आई, इंतजार, चैलेंज, यूज बी आई, यूज एक्सेस डब्ल्यू, ठीक है। देखें मेन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो एक्सेल या पाइथन और आर में बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है कि जैसे जैसे हम डेटा की बात करते हैं डेफिनेटली मिलियंस रोज कुछ भी नहीं है, हम बिलियंस की रोज की बात करेंगे, हम 10 मिलियन रोज की बात करेंगे, हम 50 मिलियन रोज की बात करेंगे, हम 100 मिलियन रोज की बात करेंगे। यहाँ पे जाके एक्सेल जैसा जो टूल है ना उस वो हाथ खड़े कर जाता है। सो डेट्स वाई पाइथन और आर जो है जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज की बेस पे बिल्ड किए गए थे ताकि जो है आप ये जो लिमिटेशन है डेटा एनालिसिस की इसको ओवरकम कर सकें, ठीक है। अच्छा दूसरा जो है ना फिर एक और चीज देखें कि ना वाई पाइथन और आर ये इतनी मेच्योर, ये इतनी पॉपुलर क्यों होती गई? देखें एक ये है पब्लिक या कम्युनिटी इनिशिएटिव है जिसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई इशू आया है तो मैं वापस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। जो आप लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, पाइथन और आर क्यों पॉपुलर हैं, उसकी मेन रीज़न ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपको कोई जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके 99% चांसेस हैं कि वो किसी और को भी दुनिया में आया होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप लाइब्रेरीज इम्पोर्ट करते हैं, वो जो पाइथन और आर में जो लोग इस ऑडियंस में से काम कर रहे हैं ऐसे ही है। मतलब कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा तो आपने खुद एल्गोरिथम लिखा हो अपार्ट फ्रॉम लॉजिक, ठीक है। लॉजिक आप खुद लिखते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक, बट जो कोर कोड है एक लंबा चौड़ा कोड वो आपने कितनी दफा हुआ है कि आपने खुद लिखा हो और रेदर देन जो है वो प्रेफर करते हो कि आप किसी का हुआ हुआ काम जो कि लाइब्रेरीज की फॉर्म में होता है उसको इंपोर्ट कर लें, ऐसे ही होता है। जो पाइथन डेवलपर है वो बताएं ऐसे ही होता है।
तो हम जो है वो उन लाइब्रेरी से अपना काम चलाते हैं। तो पाइथन और आर के पॉपुलर होने के पीछे जो मेन रीजन है वो भी यही है कि हम जो है वो पाइथन और आर पे डिपेंडेंट इसलिए होते जा रहे हैं कि उसके अंदर इतना ज्यादा कम्युनिटी ने काम कर दिया है कि मैंने कोई काम करना है तो मुझे उसका सोल्यूशन पे काम नहीं करना पड़ता, वो सोल्यूशन मुझे कहीं ना कहीं से बना बनाया मिलता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा आगे चलते हैं कि ठीक है हमने लाइक डिस्कस ये कर लिया कि नॉन सीएस और सीएस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो इक्वल स्टेज पे हैं, देन मूविंग फॉरवर्ड उसके अंदर जी है ये है कि फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो परेशान नहीं होना। ठीक है, पाइथन और आर चेक किया कि एक्सेल से पाइथन और आर की जर्नी क्यों लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े डेटा सेट को किसी और के हुए काम के थ्रू इजिली एनालाइज कर सकते हैं, किसी लाइब्रेरी में इंपोर्ट करते हैं और काम कर लें। ठीक है, बट अब देखें कि यही काम अब अगर हम आगे चलें तो मार्केट के अंदर जो है ना जो ट्रैक जो फॉर एग्जाम्पल नॉन सीएस के बैकग्राउंड के लोग आपको पाइथन आर से फियर है तो डू नॉट वरी, इसके अब अल्टरनेट्स मार्केट के अंदर इस पे काफी अरसे से काम हो रहा है, काफी टूल्स इसके मार्केट के अंदर हैं। ठीक है, अब नॉन आईटी बैकग्राउंड के बंदे को एक डिफरेंट टूल जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, नाइम हम एक्सप्लोर करेंगे आज के सेशन के अंदर, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे ड्रॉप एंड ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स इस्तेमाल करें जिनके थ्रू आप जो है वही डेटा से वो जो सीएस का बंदा यूजिंग कोड काम करता है आप सिंपली चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक है, और अपनी चीजें काम करें, पूरा डेटा साइंस का लाइफ साइकिल आप जो है वो उसके थ्रू कर लें। सो टूल जो है जो मेजर फर्क है ना, मेजर फर्क है आपका कि सीएस का बंदा जो है वो पाइथन और आर को प्रेफर करता है और नॉन आईटी का बैकग्राउंड का बंदा टूल सीखने के लिए जो हमने यहाँ पे एक ये 3 स्टेप्स बताए थे, ये जो लर्न अ टूल, यहाँ पे मेजर डिफरेंस है कि सीएस और नॉन सीएस बैकग्राउंड का बंदा पाइथन और आर से जर्नी स्टार्ट करेगा और नॉन आईटी का बंदा या नॉन सीएस बैकग्राउंड का बंदा ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से काम करेगा, बट उसके बाद जो अगली जर्नी है वो सेम है, ये दोनों स्टेप्स दोनों के लिए सेम है। ऐसे ही है, अगर हम आगे चलें तो देखें ये मल्टीपल टूल्स हैं मार्केट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल रैपिड माइनर है जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, सैस इंटरप्राइज माइनर है जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, नाइम है सैस जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, सैप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सब इन सैप क्लाउड पे से शिफ्ट कर दिया हुआ है, आईपीएम वाटसन स्टूडियो है। ठीक है, और ऑरेंज एनालिटिक्स है, ये मल्टीपल जो है ना डिफरेंट है। जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो प्लीज क्वेश्चन शेयर करते जाएं, हम सेशन के एंड पे ना वन बाय वन मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जो के नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो इजीली इन टूल्स को सीख के अपनी जर्नी जो है वो डेटा साइंस के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल और देखें अब जहाँ पे हमने पाइथन और पिछ पिछ एक स्लाइड थी ना जहाँ पे हमने थोड़ा ये क्लियर किया कि वाई टू मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम एक्सेल, ठीक है वो स्केल ऑफ डेटा था, अगर हम यहाँ पे जाएं ना तो ये जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं ये भी इसीलिए हैं कि हाउ एंड वाई वी शुड मूव आउट ऑफ एक्सेल। ठीक है, अवे फ्रॉम एक्सेल, क्योंकि जैसे जैसे डेटा ग्रो होता जाएगा नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोगों को भी ये टूल सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगर इसमें जाएं तो अगर हम ये देखें कि यहां तक ये बताएं कि थोड़ी चीजें क्लियर हुई हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा साइंस जो है वो। अभी हम आगे जाना कोर जो इसमें सेकंड स्टेप था ना, देखें डोमेन नॉलेज पे मैं जंप नहीं करूंगा कि डोमेन नॉलेज के अंदर क्या होता है, बट अब जो लर्न डेटा साइंस एल्गोरिदम्स है ना इसके बारे में मैं चीजें अब थोड़ी और शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं आपको ये नाइम की विंडो शेयर नजर आ रही है, प्लीज मुझे चैट में बताएं कि ये आपके पास अभी तक स्लाइड्स ही नजर आ रही हैं या एक नया सॉफ्टवेयर नाइम नजर आ रहा है। अब बताएं, देखें ये एक टूल है नाइम, ये फुल फ्लैज डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या एआई का टूल है, इसके अंदर अगर मैंने कोई भी काम करना है तो मुझे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना। अब फॉर एग्जांपल ये देखेंगे पूरा एक चर्न प्रिडिक्शन का मॉडल है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो एसएमएस आते हैं वो एसएमएस जो है वो चर्न मोस्टली चर्न प्रिडिक्शन मॉडल से ड्राइव होते हैं जो टेलीकॉम कंपनीज यूज कर रही थी,
कि मुझे ये बता दो फ्यूचर के अंदर कि कौन सा बंदा जो है वो अपनी सिम आने वाले हफ्ते के अंदर बंद कर देगा, मैंने सिर्फ उन्हीं को SMS उन्हीं को इंसेंटिवाइज करना है, ठीक है। ये हैंडल होता है यूजिंग चर्न प्रिडिक्शन मॉडल, ये डेटा साइंस का एक एक एप्लीकेशन है। अब ये देखें, इसके अंदर मैंने कोई एक लाइन ऑफ कोड नहीं राइट किया और एक पूरा प्रोसेस बनाया। इसकी एग्जाम्पल ये है कि एक ड्रैग एंड ड्रॉप तरह का टूल है जिसके अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं, उन नोड्स को मैं यूं ड्रैग करता हूँ, उनको कॉन्फ़िगर करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, और मैं जो हूँ वो अपना पूरा फ्लो चार्ट या लॉजिक जो है वो जो कि CS का बैकग्राउंड का बंदा जो है वो पाइथन के थ्रू लिखता है, मैं ये पूरी लॉजिक यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप टूल जो है के थ्रू लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मल्टीपल ऑप्शन में इसमें ड्रैग करता जाऊंगा और अपना पूरा फ्लो बनाता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाला फ्लो है ना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पे ये डेटा रीड कर रहा है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने विदाउट यूजिंग एनी कोडिंग मैंने पूरा डेटा इसके अंदर रीड कर लिया। जो IT का बंदा है वो क्या करता है कि वो यूजिंग पाइथन या आर ये काम कर रहा होगा, जो नॉन CS बैकग्राउंड का बंदा है वो क्या कर रहा होगा, इस ड्रैग एंड ड्रॉप टूल के थ्रू कर रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें आगे चलूं मैं, तो यहाँ पे मैं एंड तक इसे रन कर देता हूँ। तो देखें जस्ट विद फ्यू क्लिक्स मेरे पास एक पूरा चर्न प्रिडिक्शन का मॉडल जो है वो पूरा आ गया है, और फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बता रहा है ये ग्रीन, और मैंने इस फ्लो को इस तरह मैनेज किया हुआ है कि वो बंदा जिसकी फ्यूचर के अंदर जाने की प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी सॉरी ज्यादा है सिम बंद करने की, उसको रेड कर दो। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने कोई कोडिंग नहीं की, देख लें कुछ भी कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, जस्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए कि किस नोड के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कुछ भी मैंने करना है, आई डू नॉट हैव टू कोड एनीथिंग, किसी भी नोड के अंदर कुछ भी, एवरीथिंग इज ड्रैग एंड ड्रॉप। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिसीजन ट्री बना है, जिन लोगों को डिसीजन ट्री का आइडिया है ये देखें, पूरी पिक्चर पूरा एनालिसिस विदाउट यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, पूरा एक डेटा साइंटिस्ट जो पाइथन और आर वाला बंदा करता है वो काम आपने इस टूल के थ्रू किया, ठीक है। ये इस टूल को हम जो अपना हमारा नेक्स्ट एपिसोड है वो हमने डेडिकेट किया हुआ है इसी प्योर 9 पे, एक पूरा फ्लो चार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा सो दैट यू कैन गेट एन कॉन्फिडेंस कि किस तरह आप चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो कमिंग बैक टू स्लाइड्स, तो ये जो यही काम आपको स्लाइड वापस विजिबल होगी, ठीक है। तो ये टूल दिखाने का पर्पस जिसके लिए मैंने सेकंड एपिसोड डेडिकेटली किया हुआ जिसके अंदर हम 2 घंटे सिर्फ ये टूल देखेंगे, ठीक है। तो पर्पस ये था कि पाइथन और आर के फियर से निकलें, मार्केट में अब टूल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कोई भी नॉन CS बैकग्राउंड का बंदा सीख सकता है, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं, और आप फुल फ्लेज डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स इन टूल्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये है कि डाउन द रोड जो है, और नाइम हमने क्यों चूज किया है लाइक इस सेमिनार के लिए, उसका मेन पर्पज ये है कि नाइम इज ओपन सोर्स, नंबर वन चीज, आपको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये बहुत कम्प्रीहेंसिव है, इसके अंदर एक्सटेंशन होती हैं जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करेंगे, दैट्स द रीजन कि ओपन सोर्स है ये, ठीक है। और दूसरा ये कि इसकी एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन जिसकी वजह से ये आपको ज्यादा लेस पर, आप शुरू में नाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो नोड्स नजर आ रहे थे वो हो सकता है कि 10 से 15 नोड्स हों, लाइक 10 से 15 कह रहा हूँ सॉरी तकरीबन 100 से 150 नोड्स हों, बट आप इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं और इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेल के अंदर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, ये स्किल सेट उसके स्किल्स बढ़ाते हैं या फीचर्स बढ़ाते हैं, सेम गोज टू फॉर नाइम। इट्स एन ओपन सोर्स, इट्स फ्री ऑफ चार्ज, कोई लाइसेंसिंग नहीं इसकी इन्वॉल्व। तीसरा इसकी कम्युनिटी, जो मैंने तीसरी बात आपको कही थी ना वाई नाइम, उसकी रीजन है कि ये भी कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है, कम्युनिटी ड्रिवन ड्रैग एंड ड्रॉप अल्टरनेटिव टू पाइथन एंड आर, समझे आप पॉइंट, ठीक है। तो मेन रीजन इज नाइम, लाइक आई वुड रिकमेंड नाइम। अच्छा आगे चलें तो अब देखें कि मशीन लर्निंग जो है ना,
अब थोड़ा हम यहाँ तक ये बताएं कि थोड़ा टूल के बारे में क्लैरिटी होगी है कि लाइक देर लॉट ऑफ टूल्स, जिनमें से एक नाइम है जिसपे हमने नेक्स्ट 2 hours जो है वो नेक्स्ट सेमिनार के लगाने हैं, जिसमें हम फुल फ्लेज नाइम को एक्सप्लोर करेंगे एंड आई विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि यस यू पीपल कैन डू इट ईजिली विदाउट एनी फियर. ठीक है, फुल फ्लेज एक सी एस के बंदे के साथ बैठ के चीजों को कम्पीट कर सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं कि हमने जो है इस स्लाइड के अंदर ये पहला पोर्शन में आपको कोशिश ये की कि क्लियर करूं, फिर उसके बाद मैं सेकंड पे आया कि सेकंड पे जा रहे हैं हम कि लर्न डेटा साइंस एल्गोरिदम, कि जब जो है वो डेटा साइंस एल्गोरिदम्स की बात करते हैं उसके अंदर आपको क्या हो सकते हैं. सर जितने भी लोगों के क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड, जो कि नीचे आपको ऑप्शन है, तो फिर हम एंड पे ये वन बाय वन में आंसर करूंगा और उसमें आपको माइक की भी विंडो मिलेगी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस यूजिंग योर वॉइस. अच्छा, मशीन लर्निंग की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, बट आप इजीली इसको डिवाइड कर दें कि इसके अंदर एक सुपरवाइज लर्निंग की फील्ड होती है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग की फील्ड होती है, एक री इन्फोर्समेंट लर्निंग की फील्ड होती है. ठीक है, इनको हम मशीन लर्निंग या AI या डेटा साइंस को मेनली 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, री इन्फोर्समेंट लर्निंग. अब हम इनको आगे डिटेल में देखते हैं. तो अगर आप ये देखें कि टूल सीखने के बाद आपने यहाँ पे जितनी भी बुलेट्स है ना, अगर आपको इनके बारे में चीजें पता है ना, तो यकीन माने कि डिस्पाइट यू आर फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड, यू कैन लीड अ डेटा साइंस टीम, यू कैन हायर अ डेटा साइंस टीम, यू कैन टेक देयर इंटरव्यूज डायरेक्टली. ठीक है, और इवन आप जो है वो हो सकता है कि नॉन CS, जहाँ पे CS के बंदे ने हायर होना था वहां पे आप नॉन IT का एक बंदा, नॉन CS बैकग्राउंड का बंदा जो है वो इजिली हायर हो सकता है. ठीक है, तो चीजें ये हैं कि ये पूरा मैप है व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक टू मशीन लर्निंग. टूल इज नाइम एंड अबाउट एल्गोरिथम्स एंड अबाउट टेक्निक्स, इट्स अबाउट दीज 3 थिंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, अगर आपने बहुत ही एडवांस जाना है तो फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग. ठीक है, बट मेनली जो है 90% ऑफ द जॉब जो मार्केट में है वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग को कवर करती है, और इसके आगे फिर ये डिफरेंट आपके देखें यूज केसेस हैं. अच्छा, दूसरा फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि इसके अंदर ना ये जो ब्लैक वाले बुलेट्स एंड पे हैं ये यूज केसेस हैं. इन यूज केसेस को सॉल्व करने के लिए जब हम बात करते हैं ना मशीन लर्निंग, तो बेसिकली यू हैव टू लर्न अबाउट एल्गोरिथम्स कि वो एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं. वो एल्गोरिथम आपने खुद नहीं कोड करने या खुद नहीं इंप्लीमेंट करने, वो आपको इंप्लीमेंट हुए मिलेंगे, वो नाइम के अंदर आपको इंप्लीमेंट हुए मिलेंगे. फॉर एग्जांपल ये देखें कि डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम है. ठीक है, उस अगर मैं वापस नाइम के अंदर जाऊं, ठीक है, आप लोगों को अब स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो ये देखें डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का एक पूरा नोड है. इसको मैं कोड नहीं करूंगा, मैं जस्ट यहाँ से सर्च करूंगा. ठीक है, और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा. ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली ओवर द टाइम हम देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर किस तरह ये करते हैं, बट मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है ये एल्गोरिथम का. मुझे ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम मैंने कब यूज करना है डिसीजन ट्रीज का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स क्या है, ये काम कैसे करता है, मुझे बस इतना पता होना चाहिए. एक जो CS बैकग्राउंड वाला बंदा है उसने भी बैठ के एल्गोरिथम्स खुद नहीं बनाने होते. अनटिल अनलेस यू आर डूइंग अ PhD, making algorithm isn't your job. Your job is to build enough knowledge कि किस तरह के problem statement के अंदर आपने कौन सा algorithm use करना है. ठीक है, यहां तक clear हो गया. When we talk about data science and machine learning, tool सीखने के बाद, तो आपने बैठ के coding नहीं करनी, coding आपका काम नहीं है, ना ही CS वाला बंदा बैठ के coding करता है. जब तक आप PhD की तरफ नहीं जाते, एल्गोरिथम बनाना आपका काम नहीं है, आपका काम है उन एल्गोरिथम को यूज करना और अपना काम निकलवाना. ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि दूसरा जो है, आपको एल्गोरिथम पता लग गया कि ये सेट ऑफ एल्गोरिथम है, नेक्स्ट स्टेज ये है कि किस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने जो है वो कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, ये सीखना है आप लोगों ने. ठीक है, और ये बताएं किस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ये आपको क्या सिखाता है, ये आपको बिजनेस का बंदा चीजें सिखाएगा या आपको IT का बंदा सिखाएगा.
ये जो चीज है ये हमेशा ऐसा बंदा जिसके पास डोमेन नॉलेज है या बिजनेस नॉलेज है और उसको डेटा साइंस का भी पता है, हमेशा बेस्ट सोल्यूशन वो बंदा आपको दे सकता है। क्योंकि देखें, आईटी के बंदे को ये नहीं पता कि सेल्स कैसे काम करती हैं, आईटी के बंदे को नहीं पता कि क्रेडिट जो स्कोरिंग है या क्रेडिट, उसको ये पता है कि क्रेडिट स्कोरिंग में से कैसे इंप्लीमेंट करनी है, बट क्रेडिट एंड इंश्योरेंस की इंडस्ट्री कैसे काम करती है ये उसको नहीं पता। समझे पॉइंट? ठीक है, तो जो बेस्ट यहाँ पे मिक्सचर बनता है ना, और हमेशा मार्केट के अंदर जो बेस्ट रनिंग डेटा साइंटिस्ट हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको डेटा साइंस भी आती है, लाइक लीथल कम्बिनेशन कह लें मार्केट के अंदर वो बंदा है जिसको पाइथन और आर बेहतरीन आती है, उसके बाद उसको डेटा साइंस के मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आल आते हैं, ऑन टॉप ऑफ इट ही नोज अबाउट बिजनेस, ही कैन टॉक विद बिजनेस पीपल, ही कैन अंडरस्टैंड बिजनेस, लाइक उसको सेल्स का पता है, उसको मार्केटिंग का पता है, अगर वो बैंक के अंदर काम को करता है तो उसको बैंक का पता है, बेस्ट वो स्किल सेट है, और हाईली पेड भी यही लोग होते हैं डेटा साइंस के डोमेन के अंदर। जो दूसरी बड़ी लॉट इसके अंदर हाईली पेड होती है वो होती है जो बिजनेस का बंदा जो है वो डेटा साइंस की साइड पे मूव करता है। ठीक है, जो हो सकता है पाइथन और आर के अंदर इतना अच्छा ना हो, क्योंकि वो कल को किसी ऐसी पोजीशन पे बैठा होगा जिसके लिए उसके पास टीम होगी, वो मैनेजर होगा, वो लीड कर रहा होगा फर्म के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करता है कि पाइथन और आर वाली कैपेबिलिटी को पूरा करने के लिए जूनियर लोग हायर कर लेता है, बट डायरेक्टली वो चीजें अपने पास रखता है और वहां से चीजें मैक्सिमम ड्राइव आउट करता है। ठीक है, अच्छा एक और देखें कि जहां तक तो हो गया टूल्स मशीन लर्निंग की, इस पूरी जर्नी के अंदर मैं आपको चीजें बता दी। ठीक है, यहाँ तो कुछ कॉन्फिडेंस हो गया नाइम को देख के आपको कि यार मुझे कोडिंग नहीं चाहिए। जो लोग नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं वो डेटा साइंस में आना चाहते हैं, ये बताएं कि नाइम का इंटरफेस देखने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ है कि यस यू पीपल कैन डू इट? अब हम आगे चलते हैं, अब देखें कि जो आगे जो नेक्स्ट जिस साइड पे अब ये चीजें मूव कर रही है ना, वो कॉन्सेप्ट है ऑटो एमएल का या ऑटो मशीन लर्निंग का। एक हम वीडियो देखते हैं जिसके अंदर में एक और टूल की वीडियो है जिसका नाम है रैपिड माइनर। ये भी पेड, ये पेड टूल है, 30 डेज का जो है वो ट्रायल है। ठीक है, और उस ट्रायल के अंदर से चीजें जो है वो चलते हैं। अभी देखते हैं हम रैपिड माइनर की क्विक सी वीडियो, फिर हम आगे चलते हैं। और प्लीज जो आंसर है ना, लाइक ये सलमान नसीम ने भेजा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन रेज करके क्यू में शेयर कर दें, मैं बिफोर एंडिंग द सेशन आई विल आंसर देम वन बाय वन। हाय, आई एम निगम यसवंत, द फाउंडर ऑफ रैपिड माइनर। टुडे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ मोर प्रोडक्टिव वे ऑफ बिल्डिंग ग्रेट डेटा साइंस सॉल्यूशंस। वी कॉल दिस रैपिड माइनर ऑटो मॉडल। It accelerates everything data scientists do when building machine learning models. With a couple of clicks, you can load data and select your modeling task. Here we have customer data from a telco. The data columns describe things like the length of calls or some contract details. Our goal is to build a machine learning model which predicts the churn risk for all clients. You can further specify your goals by mapping the possible outcomes to new values. The heuristics in RapidMiner Auto model have already guessed that you are probably more concerned about the churn class. Therefore, yes was pre-selected as the class of interest. Auto model further speeds up data preparation by analyzing your data to identify common problems. Columns with lots of missing values which resemble an ID or which are too stable are highlighted and can be removed with a single click. Finally, AutoModel accelerates modeling by suggesting the best machine learning techniques. It automatically generates optimized and correctly cross-validated models from your data. So, let's move on to the results. We start by analyzing which features have the greatest impact on churn. International calls and the amount of calls during the day are among the most influential attributes here. How well do our models perform? We can easily compare the performance of the selected models. Deep learning has been running a little bit longer, but it also delivered accurate predictions. Each model provides built-in model visualizations specific to the model. And you can even explore the models with an interactive simulator. You can see how the models perform in real time and why predictions are made. You can try out different inputs or even optimize them automatically to find out how your most loyal customers would look like. Let's see how much our champion, deep learning, can help with our churn problem.
The lift chart shows that we could address 70% of our churn cases by reaching out to only 20% of our client base. This model will deliver positive results very quickly. You will get predictions for your client base where you don't know the outcome yet. The predictions include visual explanations as well. This is extremely helpful for complex models like ensembles or neural networks. It is important to know that AutoModel was not just building a single model of each type, but it was optimizing the most important modeling parameters in the background. And best of all, there are no black boxes. AutoModel generates a rapid minor studio process behind the scenes, so you can fine-tune, test, and quickly deploy the model into production. Using the built-in best practices and its logical approach, AutoModel reduces weeks of data science work to a couple of minutes. So I'm truly excited about this new functionality, and I hope you will like it as much as I do. तो ये जो AutoML का कॉन्सेप्ट था, ये बताने का पर्पस ये था कि इवन अगर आप जो AutoML का कॉन्सेप्ट आता है, आप डेटा दें, उसको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएं, बाकी जितना भी वो जो क्या कहते हैं उसे चीजें करने हैं, इम्प्लीमेंट करनी है, वो भी मशीन करेगी. लाइक जो मेन पर्पस है ना, देखें, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अ माइंड सेट, ये वाला माइंडसेट, राइट साइड वाला जो माइंडसेट है, यू हैव टू डेवलप दिस माइंडसेट इफ यू हैव टू रिमेन रेलेवेंट इन मार्केट. ठीक है, इफ यू हैव टू मूव वर्टिकली ऑन लैडर्स, आपका हमेशा फोकस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए. प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग वाली एज जो कंपनीज, जो लोग जो हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने हुए, उनकी आने वाले दिनों के अंदर उनको बहुत टफ कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ेगा. हमें आज से आने वाले दिनों के बाद वैल्यू उस बंदे की होगी जो कि एक्शनेबिलिटी की तरफ जाए, इमीडिएटली एक्शनेबिलिटी की तरफ जाए. ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एप्टीट्यूड रखता हो. ठीक है, आप खुद आइडिया लगाएं कि एक ऐसा बंदा, एक ही मैनेजर के अंदर दो लोग हैं, दोनों को सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है, और एक बंदा जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि यार मेरी कल से सेल्स बढ़ जाए, एक एग्जाम्पल है. ठीक है, दो बंदों को, दोनों को टास्क देता है. एक बंदा जा कहता है कि यार मुझे टाइम दे, मैं पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूंगा, फिर मैं आपको स्टेटमेंट ला के दूंगा. दूसरा वो बंदा है जो कि फॉर एग्जाम्पल एडवांस टेक्निक्स यूज करते हुए आके कहता है कि सर ये देखें कल से आपकी जो है ना सेल्स बढ़ जाएंगी, और ऐसे होता है अगले दिन आते हैं तो लेफ्ट साइड वाला बंदा स्टिल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि यार सेल्स कैसे बढ़ाऊं, क्यों गिरी, क्या हुआ, एक्स वाई जी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा होगा यूजिंग एक्सेल. बट राइट साइड वाला बंदा क्या होगा कि वो कंपेन लॉन्च कर चुका होगा, अगले दिन से सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी. तो पॉइंट ये है कि AutoML का कॉन्सेप्ट, ये ड्रैग एंड ड्रॉप के टूल्स के कॉन्सेप्ट, दे आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द टेक्निकल एंड CS. और एक जो फियर है लोगों का कि यार खाली CS के लोग कर सकते हैं, उस चीज को कम करते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये AutoML का कॉन्सेप्ट होता है कोर. अच्छा, बट हम आगे चले ना, तो अब देखेंगे, अब चर्न प्रेडिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि चर्न प्रेडिक्शन जो मैं आपको बता रहा था कि हम लेके क्या चल रहे हैं, कि जो आपको बता रहे हैं ये वाली चीज़ की, जब मशीन लर्निंग की बात करते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने सुपरवाइज लर्निंग यूज करनी है, कहाँ मैंने अनसुपरवाइज लर्निंग यूज करनी है, कहाँ मैंने रीइन्फोर्समेंट लर्निंग यूज करनी है. एंड डाउन द रोड उसके अंदर भी, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी, मैंने रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैंने डिसीजन ट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व मतलब एल्गोरिथम यूज करना है, मैंने जो है वो PCA का एल्गोरिथम लगाना है, के मीन्स का एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम लगाना है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये एल्गोरिथम आपको कोड करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, टेलकोस के अंदर या किसी भी जगह, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स के अंदर अकाउंट्स डोरमेंट होने की प्रेडिक्शन हम करते हैं कि ये अकाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी मनी विड्रॉ कर लेगा, और उसके बाद अकाउंट में पैसे रखेगा और डोरमेंट हो जाएगा. ठीक है, उसको प्रेडिक्ट करना है, हम इसको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की टेक्निक कहते हैं. ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का वो जो अम्ब्रेला मैं पहले आपको दिखा रहा था, इसके अंदर ये सुपरवाइज लर्निंग की टेक्निक के थ्रू यूज होता है, आइदर यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, आइदर थ्रू रिग्रेशन एल्गोरिथम. आपको बीइंग अ नॉन CS बैकग्राउंड पर्सन, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. उसके अंदर फिर एक जो हम एक और एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कैसे करता है. इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स, जो कोई भी बिजनेस का बंदा, फाइनेंस का बंदा इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है. ठीक है, अब हम एक और छोटा सा क्विक वीडियो देखते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, सेम टूल लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल मोस्टली, बट लिटिल बिट टेक्निकल, बट स्टिल इजिली लर्नेबल बाय द नॉन टेक्निकल पीपल. एक छोटी सी और वीडियो देखते हैं. We all know that machine learning can do some pretty amazing things with data.
uncover hidden insights, fix unfixable problems, predict the future. But at Microsoft, we believe machine learning can be even more amazing by being accessible to all. So we created Azure Machine Learning. Machine learning in the cloud that's easy. We all know that machine learning can do some pretty amazing things with data. Uncover hidden insights, fix unfixable problems, predict the future. But at Microsoft, we believe machine learning can be even more amazing by being accessible to all. So we created Azure Machine Learning. Machine learning in the cloud that's easier to use. How easy? It all begins with the setting it up part. You never have to ask anyone to provision your workspace, even if you're using a desktop. All you need is a web browser. Log on, and you're good to go. Next comes building your model, where you'll really benefit from Azure ML's built-in flexibility. With one click, you can land on the algorithm that's best for your business, whether that's R, Python, or battle-tested Microsoft algorithms that run businesses like Xbox and Bing. You can even add your own special sauce by bringing in custom R or Python code. Then there's the really fun part, where you get to put your creation to work. Azure ML is designed for applied machine learning, which means that in minutes, your model is deployed as a fully managed web service that can connect to any data, anywhere. That's when the full power of machine learning is truly unleashed. And as users experience that power and wonder what else it can do, you can easily update your solution and put it back into production while still being able to revisit your old results. And on our global Azure Machine Learning Marketplace, you can expand your reach by creating your own brand and business model. And with Microsoft Cloud, take advantage of unmatched scalability, availability, and security. Azure Machine Learning from Microsoft. Easy to build, easy to deploy, easy to share. Just when you thought machine learning couldn't get any more amazing. ठीक है, तो एक एक और टूल है जिसका नाम ये लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का मशीन एमएल स्टूडियो है जिसमें है. तो पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज गुड के वो लाइक दे आर ओके कि आपका डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है वो क्लाउड पे जा सकता है, कोई प्राइवेसी के इश्यूज नहीं है, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, तो दे कैन मूव टुवर्ड एज्योर एज वेल. ठीक है, नाइम और रैपिड माइनर के अलावा ये ऑप्शन नहीं है. द ओनली बैरियर इज योर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स, योर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेसी नॉर्म्स. अगर आपकी लाइक जिस तरह बैंक्स में और टेलकोज के अंदर यूजली वी डू नॉट अलाउ टू अपलोड द डेटा टू क्लाउड, क्लाउड जो है क्लाउड पे काम करना, क्लाउड पे कस्टमर का डेटा मूव करना वो अलाउड नहीं होता. तो इसलिए इस तरह के सिनेरियोज के अंदर फिर नाइम रैपिड माइनर जैसे टूल्स जो कि लोकल डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है, अच्छा, फिर सेंटिमेंट एनालिसिस एक और एग्जांपल है. अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लो बताऊं तो आपको मैं क्लियर करने की बात करूं कि असल गेम इस डायग्राम की है व्हेन यू टॉक अबाउट कोर एआई या मशीन लर्निंग, कि किस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने सुपरवाइज ट्रैक अप्लाई करना है, किस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने अनसुपरवाइज अप्लाई करना है, किसके अंदर रीइंफोर्समेंट करनी है, ये सारी चीज़ें. इसलिए फिर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्लियर किया कि अगर आपने चर्न प्रेडिक्शन का पे काम करना है तो आपको सुपरवाइज लर्निंग का करियर का ट्रैक पकड़ना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम एल्गोरिथम्स इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन. डिसीजन ट्रीज भी यूज हो सकते हैं रिग्रेशन के, और वेरिएंट्स भी यूज हो सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल दूसरे सेंटीमेंट एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आपका वेब पेज है, उस वेब पेज पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स को आप वन बाय वन जो है वो जाहिर है पढ़ के उसको अगर आप करें, एक पेज है फॉर एग्जांपल उसके बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स के अंदर से आपको फॉर एग्जांपल एक एक सेंटीमेंट देख के पता लगाना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग सकती हैं. अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक रैपिड माइनर का एक और रैपिड माइनर की एक स्क्रीन शॉट है जिसके अंदर आप फुल फ्लैज पूरा जो सेंटिमेंट एनालिसिस है वो फुल फ्लैज जो है वो क्या कहते हैं उसे, इस ड्रैग एंड ड्रॉप टूल के थ्रू यूज़ करते हैं, और ये स्क्रीन शॉट जो है वो रैपिड माइनर की है. ठीक है, और सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर भी फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है कि अगेन इट्स अगर मैं पीछे जाऊं तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू सॉल्व होगा, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, और वन ऑफ द एल्गोरिथम जो मैं यूज कर सकता हूं वो नाइव बेस एल्गोरिथम है. ये दोबारा देख ले, दोबारा मैं पिछली स्लाइड पे जंप करूंगा. ये सुपरवाइज लर्निंग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्लासिफिकेशन की कैटेगरी के थ्रू सॉल्व होगा,
और वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एल्गोरिथम इज नाइव बेस. अगर मैं यहां पे जाऊं इसके अंदर, तो ये देखें सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, और फिर इसके अंदर जाके मैं आगे एल्गोरिथम सेलेक्ट करूंगा. अच्छा, जो अगली एग्जांपल है फॉर एग्जांपल क्रेडिट स्कोरिंग और इससे रिलेटेड एक छोटी सी, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है जो कि डेटा साइंस ओरिएंटेड माइक्रो लोन शेयर करते हैं. आप लोगों ने शायद तेज फाइनेंशियल्स का सुना हो, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो है वो देखते हैं, देन फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं. मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ, लिहाजा काफ़ी मुसीबतें पेश आ जाती हैं कि किसी लिए इंसान बीमार हो, किसी के लिए मजबूरी पैसे उधार लेने पड़ते हैं, तो ऐसा इंश्योरेंस हो तो वो जो इंसान की तहफ़ के लिए मिल जाए. मेरा नाम फिजल खान है, आई एम ग्राफिक डिजाइनर फ्लोर, और मार्केटिंग करता हूँ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए. और कहते हैं कि मेरी खतरा जा जो भी मैंने अपनी फीस इन्वेस्टी थी पूरी करनी है, कि मुझे घर वालों से मांगना ना पड़े, लोन बैंक से नहीं लिया कभी. तो देखें, ये एक एग्जांपल थी क्रेडिट स्कोरिंग की. एक लोकल हमारा स्टार्टअप है तेज का, आई गेस इट वाज द फर्स्ट स्टार्टअप 2 to 3 years ago जिसको एक $1 million से अबव की फंडिंग मिली थी. ये करते क्या हैं कि ये मोबाइल ऐप के थ्रू लोगों की क्रेडिट स्कोरिंग करते हैं और उसकी बेस पे उनको माइक्रो लोन दे रहे हैं, देते हैं. ठीक है, ये भी यूजिंग इनकी जो कोर एसेंस है इनकी वो मशीन लर्निंग है, और यूजिंग क्रेडिट स्कोरिंग ये यूजिंग मशीन AI ये जो है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का एक मिक्सचर यूज करते हैं, उसकी बेस पे ये पूरा आइडिया लगाते हैं कि किस बंदे को हमने कितना लोन देना है. ठीक है, अब अगर हम आगे चलें, अगली जो चीज़ है, अब ये देखें कि ये छोटा सा मैप है, इस मैप को देखें, इसमें क्या है, इस मैप के अंदर मुझे चैट विंडो के बताएं कि इस मैप को देख के आपके माइंड में क्या आता है. देखिए, ये एक वेबसाइट जिस तरह कामरान भाई ने हमें बताया कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट या उसका है. ठीक है, अगर मैं इस पे अजम्पशन लूँ, देखें कि अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये एक ई कॉमर्स बिजनेस का फुल फ्लैज लाइफ साइकिल है, तो इसके अंदर डिफरेंट जगह पे रेड कलर के अंदर डेटा साइंस की एप्लीकेशन हाईलाइट की गई हैं. ठीक है, और इमेजिन ये करें, आप ये देखें कि ये सारा काम आपके ख्याल में डिफरेंट टीम्स कर रही होती हैं, इसी तरह होता है. अगर ये ई कॉमर्स का बिजनेस है, पूरे मैप के अंदर जो डिफरेंट काम है, जो रेड वाला काम है, रेड वाले जो टैग्स हैं वो AI या डेटा साइंस की एप्लीकेशन या यूज केसेस हैं. और यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, परचेजिंग कोई और कर रहा होता है, R&D कोई और कर रहा होता है, कस्टमर सर्विस को कोई और मैनेज कर रहा होता है,
ठीक है, मार्केटिंग को कोई और मैनेज कर रहा है। अगर आप इमेजिन ये करें कि अब हर टीम ने बैठ के अलग से अगर पाइथन या आर के आईटी के बंदे हायर करना शुरू कर दिए, ठीक है, तो कितना बड़ा मैस क्रिएट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन डेटा साइंस ये एआई की हर जगह पे है। पॉइंट ये है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस यूजर जिसको डोमेन नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल जो प्रेडिक्शन का बंदा है, उसने जब तक डेटा साइंस के बेसिक्स नहीं सीखने तब तक वो बेस्ट सिनेरियो सिमुलेशन और नेगोशिएशन इंजन कभी भी नहीं बना सकेगा। ठीक है, या जब तक मार्केटिंग का बंदा जो है वो जो है डेटा साइंस के बारे में नहीं पढ़ेगा वो बेस्ट एट्रीब्यूशन मॉडल्स कभी भी नहीं बना सकता। ठीक है, दूसरा जो डेटा साइंस और आर के लोग हैं उनका मेजर स्किल सेट ये होगा कि इन चीज़ों को ऑपरेशनलाइज करना, कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो प्योरली मार्केटिंग का बंदा बनाए, एक डायरेक्शन सेट करे, एक प्रूफ बनाए, एक आइडिया बनाए, फिर उस आइडिया को स्केल अप करने के लिए आपको पाइथन और आर के बंदे की मे बी जरूरत पड़ सके। बट अपार्ट फ्रॉम इट जो बेस्ट इसका पहला प्लान चॉकआउट करना है वो मार्केटिंग या नॉन सी एस बैकग्राउंड के बंदे से बेहतर कोई भी चॉकआउट नहीं कर सकता। उसकी मेन रीजन ये है कि उसको डोमेन नॉलेज पता है, उसको इन्स एंड आउट्स ऑफ होल प्रोसेस पता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा है लाइक आगे जब हम आगे चलें तो देखें कि ओवर द टाइम फिर जो चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं वो ये आती हैं कि जो हमेशा एक्सपीरियंस से आएंगी कि कौन से एल्गोरिथम का क्या ट्रेड ऑफ है, कि कब मैं फॉर एग्जांपल लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करूँगा, दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, लेसर रिग्रेशन का क्या है, रैंडम फॉरेस्ट कब यूज़ करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम आएंगी, बट बिलीव मी दीज आर जस्ट मैथमेटिक्स, नथिंग मोर। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए I told you previously कि आपको किसी किस्म की ये टूल के अंदर देखें किसी किस्म की कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। इट विल गिव यू फुल फ्लेक्सीबिलिटी जस्ट लाइक पाइथन एंड आर विदाउट इवन लाइनिंग राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अच्छा, अगर हम अब हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ और फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अगेन जो टूल्स मैंने बताए हैं नाइम और रैपिड माइंडर में आपको दिखाया, अजोर का दिखाया, दूसरे भी टूल्स आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सैस माई इंटरप्राइज माइनर, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो कि अभी सैप क्लाउड समथिंग के अंदर चेंज हो चुका हुआ है, ओरिजिनल एनालिटिक्स है, बट आई वुड रिकमेंड नाइम जस्ट बिकॉज इट्स एन ओपन सोर्स, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट, एंड थर्ड नो क्लाउड रिस्ट्रेंट, एनी वन कैन यूज इट, इवन जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो हाईली क्या कह लें कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ डेटा या कस्टमर का डेटा आउट ऑफ देयर बाउंड्रीज मूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो है वो एक और जस्ट एक उस्मान अकरम जो मेरे साथ दूसरे थे वो ज्वाइन नहीं कर सके, अगर मैं एक जस्ट लाइक सिंपल सी एक पिक्चर दिखाऊं जो वो यूज़ करते हैं, आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये एक बग्गी है। ठीक है, आप ये देखें कि इन दोनों पिक्चर्स के अंदर देखें फ़र्क क्या है, थोड़ा बताएंगे मुझे। इन दोनों पिक्चर्स को देखें और देखें क्या बताने की कोशिश की गई है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जो असल चीज दिखाई गई है ना, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है। In 13 years, in 1900, same avenue, same road, same city, यहाँ पे ये सारी देखें बगी हैं और सिर्फ एक कार रेड के अंदर हाईलाइट की गई है। बट इन 13 years, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऐसी हुई है कि इस पूरे रोड के अंदर आपको एक भी बग्गी नहीं नजर आ रही। ठीक है, सो AI एंड when it comes to AI in data science, believe me के overall जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी फुल स्केल पे चीजें आएंगी, ठीक है, ये एआई और डेटा साइंस इसी तरह चीजों को ओवरकम करेगी। ठीक है, और लास्ट जो है वो एक और चीज होता है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो लोगों को बहुत ज्यादा फियर होता है कि जॉब्स ले ऑफ होंगी। ठीक है, तो देखें जॉब्स ले ऑफ नहीं होंगी, जॉब्स का रोल और नेचर चेंज होगी। जहां पे ले ऑफ जो है वो या एग्जिस्टिंग जॉब्स जो है जो एक्सपायर हो रही है वो बढ़ती जाएंगी तो न्यू जॉब्स क्रिएट होती जाएंगी, जहां पे आपको सेकेंडरी स्किल एज डेटा साइंस या एआई मस्ट चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आज का सेमिनार कंक्लूड करता हूँ और दोबारा मैं एक चीज हाईलाइट करता जाऊं कि जो नेक्स्ट हमारा सेमिनार होगा
वो हमारे वेबसाइट पे या पेज पे जाके देख लें. लाइक इट विल बी ऑल अबाउट नाइम, नाइम का ओवरव्यू, इस तरह की बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट, हम किस तरह फ्रॉम जीरो जो है वो कर सकते हैं स्क्रैप. ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेमिनार के अंदर जरूर रजिस्टर होइएगा और चीजों को जो है वो या हमारी वेबसाइट पे हमारे पेज पे मैसेज करें और इनरोल करें. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस सो प्लीज जो है ना वो लिखें और फिर हम अगले 10 से 15 मिनट क्वेश्चन आंसर पे लगाते हैं. शुड आई स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस? अच्छा, पहले हम आते हैं एनोनिमस. ऑटोमल एमएल इज वे मोर इजी टू इंप्लीमेंट अ मॉडल क्वेश्चन मार्क, नॉन टेक विल हैव एज ओवर बैकग्राउंड. ठीक है, तो देखें इसमें जो ये क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड ये है कि ये एनोनिमस ट्रेंडिस ने पोस्ट किया है कि क्या ऑटोमल के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो मॉडल इंप्लीमेंट करना इजी होगा. यस, इट विल बी इजी और ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्रूव होता जाएगा. ये जो लोग पाइथन और इसमें काम करते हैं या बाकी लोग भी, आप एक टूल सर्च करिएगा GPT-3, जिसमें काम ये हो रहा है कि यार लोगों को कोडिंग के फियर से निकाला जाए, ठीक है, और फिर आगे लेके चला जाए चीजों को. तो जो नॉन टेक वाले को है वो एज हमेशा एक चीज पे रहेगा, जो डोमेन नॉलेज है. अगर जो नॉन टेक बंदा प्रॉपर डोमेन नॉलेज डेटा साइंस की चीजें सीख लेता है तो उस जैसा कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा उस बंदे को प्रेफर करेगा जो उसके प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा. देखें, पाइथन और आर वाला बंदा आके दोबारा क्या करेगा कि वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, जहां से वो स्लो होगा. जो बिजनेस का बंदा जब इसके अंदर आएगा तो ही विल प्योरली बी टारगेटिंग कि मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर करूं. तो एज जो है वो कह लें कि ना ही डेटा साइंस वाले कहीं जा रहे हैं जो कि सीएस बैकग्राउंड के साथ हैं, और ओवर द टाइम जो नॉन टेकीज हैं जिन्होंने डेटा साइंस के अंदर आना है यूजिंग दीज टूल्स, इनका काउंट बढ़ता जाएगा एंड देयर विल बी अ टफ कंपटीशन बिटवीन बोथ पार्टीज. बट स्टिल जो अभी तक मेरी लर्निंग है 10 साल का करियर की, एक नॉन टेक बैकग्राउंड का बंदा रिलेटिवली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, वो प्रॉब्लम को वो करता है. अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है सिद्रा क्रीम का, वो ये कि व्हाट आर द स्टेप्स इन मेकिंग अ डिसीजन ट्री. So, ये जो है ये हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमने नाइम के अंदर यही बताना है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स हैं, तो ये हम अगले उसके लिए पार्क करेंगे. बट ये कि हम इस पूरे जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये पूरा हम एक दो फ्लो चार्ट्स पूरे डेवलप करेंगे स्क्रैच से, उसके अंदर से चीजें आपको बताएंगे. अगला क्वेश्चन है मोहम्मद सईद का, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डेटा साइंस एंड डेवऑप्स and data science how to help a DevOps person. Definitely, like when you talk about operationalization of data science, तो DevOps के बंदे के साथ आपको जरूर बैठना पड़ेगा. ये बड़ी companies जो हैं वो DevOps के ऊपर बहुत ज़्यादा rely करती हैं, क्योंकि ultimately data को processing होने के लिए, ठीक है, data को ऊपर prediction model run करने के लिए आपको systems चाहिए होंगे. उन systems को manage करने के लिए फिर आपको फर्दर एक DevOps की एक फील्ड होती है उसके थ्रू, तो डेफिनेटली ये चीजें जो हैंड ऑन हैंड चलेंगी, ठीक है, और देन सो ऑन. सो एंड डेटा इन हाउ टू हेल्प अ DevOps पर्सन, ठीक है, DevOps पर्सन के अंदर देखें मेरे ख्याल में तो आप अगर डेटा साइंस DevOps पर्सन के लिए यूज केसेस अगर निकालें तो ये हो सकता है कि वो कंटेनर्स का बेस्ट साइज क्या होना चाहिए, कब कौन सा कंटेनर फेल हो सकता है, कब उसको रीलॉन्च करना है, कौन सा प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल CI/CD की जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, इस तरह की चीजें यूजिंग प्योरली डेटा आप जो है वो चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा, जो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे, अ नॉन सीएस प्रोफेशनल अब्दाल वैद का क्वेश्चन है, अ नॉन सीएस प्रोफेशनल हाउ Do I get to grips with data science technical perspective? Do I learn coding JavaScript? Do I just start attending classes Python from DICE or other sources or follow some other step?
question, is there way I can make myself a gain technical knowledge as early as possible? What steps should I do? देखें, एक सी एस का बंदा भी जो है वो पाइथन और आर सीख सकता है, इसमें कोई लाइक इतनी बड़ी कोई मुश्किल ये चीज भी नहीं है, ठीक है? तो यू कैन स्टार्ट. देखें, दो चीजें हैं कि एक है लाइक आपने डाइस का लिखा हुआ है, डाइस वर्सेस अदर ऑप्शन लाइक यूडेमी कोर्सेरा, फर्क क्या है? देखिए, जब आप यूडेमी और कोर्सेरा से जाएंगे ना, तो इट विल टेक टाइम. लाइक वो चीज जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स के अंदर 6 महीने के अंदर सीखेंगे, वही चीज आप जो है वो डाइस में अगर आते हैं तो यू कैन लर्न इट इन 1 month, इन 2 month. तो आपका जो टाइम है वो बचेगा. मेन वैल्यू एड ये है. बाकी देयर इज लॉट ऑफ स्टफ, ये सारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं, हर चीज के बारे में जो है वो एक लंबे ट्यूटोरियल्स होते हैं. एक ओवरऑल मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि हाउ टू स्टार्ट. अगर आप पाइथन वगैरह सीखना चाहते हैं तो स्टार्ट लर्निंग अबाउट पाइथन फर्स्ट, देन जंप इनटू द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, और फिर डोमेन नॉलेज अपने आप को स्पेसिफिक बनाएं कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं हेल्थ सेक्टर का डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं जो हूँ फॉर एग्जाम्पल रिटेल का डेटा साइंटिस्ट हूँ. तो थर्ड स्टेप एज अ बिजनेस नॉलेज इट्स अ मस्ट. अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स अ बिगिनर डेटा साइंस स्टूडेंट नीड टू गेट इन एंट्री लेवल जॉब इंटर्नशिप. आई गेस एक जो स्किल है वो टूल की अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, और दूसरा अगर वो उसको थोड़ी बहुत बिजनेस की नो हाउ हो जहाँ पे वो जॉब या इंटर्नशिप करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली हिज इंटरव्यू इज गोना बी अ सक्सेस स्टोरी. ये श्योर शॉर्ट है चीज़ें. अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज बेस्ट एंड डिफरेंट बिटवीन टूल्स, मोस्टली विच टूल इज यूज्ड विच कवर ऑल वर्क. तो मैंने आपको टूल को बार बार बता दिया, लाइक एवरी टूल हैव मोर और लेस सेम कैपेबिलिटीज. द नाइम, व्हाई आई प्रेफर नाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओपन सोर्स, नो लाइसेंसिंग. सेकेंड थिंग इज कम्युनिटी अप्रोच, सपोर्ट. एंड थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड रीजन इज क्लाउड रिस्ट्रिक्शन, कि इसके ऊपर आपको जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करें तो कोई प्राइवेसी के चले नहीं आएंगे. अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी मोशन महमूद का, इफ इम्पोर्ट एक्सेल सीएसवी फाइल इन जुपिटर, वी वर्क ऑन कोडिंग, इज पॉसिबल वी ट्रेन मॉडल ऑन टूल. देखें, इस तरह जुपिटर के अंदर आप नाइम के अंदर जो है वो पाइथन का कोड भी एम्बेड कर सकते हैं. ये जो मोशन महमूद का क्वेश्चन है, आपको मोशन नजर आ रही है स्क्रीन? जिस तरह देखें, मैं यहाँ पे पाइथन सर्च करता हूँ. ठीक है, तो देखें, आप पाइथन की यहाँ पे एक लंबी लिस्ट ऑफ नोड्स हैं, तो आप कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. या तो ऑप्शन ये है कि आप जो है वो अपना कोड जो है वो इस तरह वो कर लें, इंपोर्ट कर लें नाइम के अंदर, ठीक है? या फिर ये है कि एक्सेल इंपोर्ट एक्सेल जो है वो सी जो वो है वो जुपिटर के अंदर करें, उसके बाद जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसको वापस सी एस वी में राइट करें और दोबारा इधर इम्पोर्ट कर लें. तो बोथ आर द ऑप्शन अवेलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रऊफ अहमद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट. देखें, जो बिजनेस एनालिस्ट होता है ना, ही इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स केपीआई ट्रैकिंग, ठीक है? कि केपीआईज जो हैं वो क्या चल रही हैं. बिजनेस एनालिस्ट का मेनली काम जो है वो केपीआई ट्रैकिंग का होता है, ठीक है? जो डेटा साइंटिस्ट का है ना, उसका काम उन लोगों को हेल्प करना होता है जो कि फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड रनर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के बंदे हो गए, कि उसने अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, ठीक है? उसको सपोर्ट करना. सेल्स है, उसने कुछ सेल्स का बंदा, उसको सेल्स का सपोर्ट करना. तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है कि बिजनेस एनालिस्ट का काम हमेशा होता है कि हेल्थ ऑफ बिजनेस को ट्रैक करना. मजर भट्टी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा. हाउ कैन वी मेक डेटाबेस, आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन, लाइक प्लीज अगर आप अपना क्वेश्चन दोबारा लिख दें थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो मैं क्यू में दोबारा इसको आंसर करता हूँ. अच्छा, विच अप्रोच इज बेटर, कोडिंग बेस्ड या ड्रैग एंड ड्रॉप, विच अप्रोच इज मोर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज. देखें, ये एनोनिमस स्टैंडिंग का क्वेश्चन था कि कौन सी अप्रोच है वो ज्यादा बेहतर है. तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसका लाइक क्लियर कट आंसर नहीं है. इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट इन विच यू आर सिटिंग, वो आई टी का है या नॉन आई टी का है, ठीक है? और एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो लाइक इसका कोई वो नहीं है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो जो टेक्निक या ट्रैक आपको दिखाने का पर्पस ये था
कि यू पीपल डू नॉट हैव टू वरी अबाउट पाइथन आर और कोडिंग. देर आर टूल्स जिनके अंदर सारी कैपेबिलिटी है कि वो आपको फुल फ्लैश डेटा साइंस एनेबल इम्प्लीमेंट और इवन ऑपरेशनलाइज भी करके दे सकते हैं. अच्छा, फॉर बैकग्राउंड विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विच लर्निंग पाथ वुड यू रिकमेंड, तो इट डिपेंड्स अपॉन. इसका भी क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, ये जो एटोनमस अटेंडिस का है, अटेंडी का है क्वेश्चन के बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, कौन सा पाथ मुझे फॉलो करना चाहिए, तो अगेन इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस. अगर आप डेटा इंजीनियरिंग वाली साइड पर जाना चाहते हैं तो डेटा एवोल्यूशन बिहेवियर ट्रैक स्टार्ट करें. अगर आप डेटा साइंस वाली साइड पर जाना चाहती हैं एंड कॉन्फिडेंट विद डीएस एंड ए सॉरी कोडिंग, तो आप पाइथन के थ्रू यूज करें. सो इट्स समथिंग विच प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू. बट अगर आप मेरे से पर्सनल पूछें तो स्टार्ट फ्रॉम डेटा वेयरहाउस एंड बीआई एंड देन एज अ नेक्स्ट स्टेप जंप टू डीएस एंड एआई, ताकि आपको बेसिक जो डेटा एनालिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो पहले वो बिल्ड हो और देन फिर आप जो है वो आगे डीएस एंड एआई की तरफ मूव करें. अच्छा, दूसरा जो है कि एक बंदा लिखा हुआ कि हमने साइन अप किया था, ठीक है, तो उसके बाद हमें कोई आंसर नहीं मिला. तो आई गेस अगर स्टिल आंसर नहीं आया तो हम सेमिनार हमने पहले प्लान किए हुए थे, तो अगर आप हमारे जो है वो फेसबुक पेज पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें तो आपको फौरन रिप्लाई आएगा. आपने सिर्फ फेसबुक मैसेज पे रिस्पॉन्स करना है और हम ये कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 7th of September. तो यू पीपल जस्ट हैव टू ड्रॉप अ मैसेज ऑन फेसबुक पेज. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जगम गफूर का है, कैन वी यूज नाइम फॉर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फाइनेंशियल एनालिसिस? यस, यू कैन 100% यूज इट. ठीक है, इवन आप इसमें देखें कि अगर आप नाइम को एक्सप्लोर करेंगे ना तो इसके अंदर इवन पूरी पूरी मार्केट सिमुलेट हो जाती है. अगर मैंने यहाँ पे प्लग इन किया हो, यहाँ पे तो मैं आपको दिखाता हूँ जैगम को, ये साइंटिफिक एंड स्ट्रेटजी, ये देखें पूरी पूरी मार्केट सिमुलेट होती है. लाइक ये मार्केट सिमुलेशन का कोर्स लम्स वाले कराते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो अपना पूरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. देखें ये पूरा पूरी मार्केट सिमुलेशन की आप फुल फ्लैज मार्केट सिमुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं. विल यू मेक रिकॉर्डिंग्स ऑफ वेबिनार अवेलेबल? यस, ये हमारे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम हुआ है, उधर ये पड़ा होगा. मोहम्मद हसन, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस? देखें, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के दरमियान रिलेशनशिप तो मतलब इस तरह कह सकते हैं कि हर फील्ड के अंदर डेटा साइंस की एप्लीकेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की डोमेन है, कोई भी डोमेन है उसके अंदर डेटा साइंस की एप्लीकेशन है. तो रिलेशनशिप यही है कि हर फील्ड को डेटा साइंस और एआई चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स है, एनी फील्ड जस्ट यू नेम इट, यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस एंड एआई इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. अच्छा, अली रजा, हाउ वी कैन फाइंड विच एल्गोरिथम बेस्ट सूट फॉर योर बिजनेस सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व? देखें अली रजा, इसका आंसर ये है कि आपको एक तो एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें पता लगती हैं, नंबर वन चीज़, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो आपको क्या कहते हैं उसे, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. सो इट्स समथिंग विच कैन ओनली कम विद एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. तो कौन सा एल्गोरिथम किस जगह के बेस्ट सूट करेगा, ये एक्सपीरियंस के अलावा आपको नहीं पता लग सकता. व्हाट इज मार्केट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ यूजिंग, मुर्तजा हसन का क्वेश्चन है जो है, व्हाट इज मार्केट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ यूजिंग नाइम एज़्योर ईटीसी बिकॉज मार्केट डिमांड इज आर और पाइथन? यस, मैंने आपको जिसमें पहले बताया कि इस मिथ जो कि इस चेंज होगी, ये टूल्स लाइक ऑटो एम एल, पाइथन, नाइम, ये टूल्स एट द एंड ऑफ डे इररिलेवेंट हो जाएंगे. बात होगी स्किल सेट की, ठीक है. इफ यू हैव आर एंड पाइथन स्किल सेट तो मे बी आप जो है वो आईटी वाली साइड पे जॉब्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो. बट जैसे जैसे नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग भी डेटा साइंस के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली ये टूल्स जो है वो अपनी वैल्यू बनाएंगे. बट एक लोकल जो मार्केट है ना
उसके अंदर ये देखें कि नाइम या ये एक बहुत बड़ा लोकल मार्केट के अंदर फियर एग्जिस्ट करता है या एक मिसकंसेप्शन एग्जिस्ट करती है कि डेटा साइंस खाली जो है वो सीएस बैकग्राउंड के लोगों का काम है, तो ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, एज्योर की जॉब्स भी हैं, नाइम की भी रिलेटिवली ज्यादा है। इट्स नॉट अबाउट नाइम, वो ये कहेंगे कि यार ये मार्केटिंग का बंदा है और इसे डेटा साइंस भी आती है। इट्स नॉट कि उसे आर और पाइथन में आती है। आपने खुद देखा कि एंड ऑब्जेक्टिव इज कि आपने टूल इररिलेवेंट है, वो पाइथन और आर हो। ठीक है, आपने अगर आप डोमेन नॉन सीएस बैकग्राउंड के हैं तो आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हसन का, विच कैरियर पाथ इज बेस्ट, बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस और बीएस मेजर इन विद माइनर इन डेटा साइंस। अगेन मोहम्मद हसन, आपका लाइक क्वेश्चन जो है वो मैं शायद इतना अच्छा ना आंसर कर सकूं, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, मतलब एक मेजर है, सीएस इज जस्ट अ सपोर्टिंग डिग्री, सीएस नॉट अ मेजर एक डोमेन कह रहे, इस तरह नहीं है जिसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंसेज है, इस तरह एक बड़ी फील्ड नहीं है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि यू वांट टू मोर बिकम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, तो ये प्योरली आप पे अपना डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेके चल सकते हैं। बट ऑप्शन दोनों ही है कि आप डेटा साइंस को मेजर रख के इकोनॉमिक्स को सेकेंडरी स्किल्स के सीट सीख लें, ठीक है, या फिर आपको जॉब जो मिलेगी वो मिलेगी कि डेटा साइंटिस्ट हैं और इकोनॉमिक्स पे जो काम करती हैं अपने उसके अंदर आईटी वाली साइड का जॉब मिलेगी। अगर आप काम करेंगे ना इकोनॉमिक्स में मेजर रखते हैं और डेटा साइंस भी सीखते हैं तो आपको कमर्शियल वाली साइड पे जॉब मिलेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस के हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। हाजिर आशमी, व्हाट आर दिस कोर स्किल्स फॉर बीइंग अ डेटा एनालिस्ट? डेटा एनालिस्ट आई गेस इफ यू वांट टू बी अ डेटा एनालिस्ट, गुड डेटा एनालिस्ट, तो SQL, Excel, जो उज़ैर हाशमी का क्वेश्चन है कि डेटा आपको Excel अच्छी तरह आनी चाहिए, आपको SQL अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है, इट्स गुड कि अगर आपको Python, R या इस तरह का कोई टूल आता है, ठीक है। और थर्ड ये है कि यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन एनालिटिकल कैपेबिलिटीज या नंबर क्रंचिंग। डेटा एनालिस्ट के लिए टूल स्किल सेट सीखना इतना मुश्किल नहीं होता जितना नंबर क्रंचिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करना मस्ट होता है। हाउ कैन वी बिल्ड वे डेटा लव्स एक्सेल ओनली है 15 but I have data more than that, so which tool to is best? तो देखिए डेटा वेयरहाउस मदर भट्टी अगर आपने डेवलप करना है तो आप डिपेंड करता है कि आप मल्टीपल टूल यूज कर सकते हैं, लाइक पोस्टग्रेस इज वन ऑफ द ऑप्शन, SQL सर्वर इज अनदर ऑप्शन, ठीक है, इवन अगर आपकी डिपेंडिंग आप हो सकता है माई SQL के अंदर भी डेटा वेयरहाउस बिल्ड कर लें, ठीक है। और बेस्ट अगर देखें तो ओलैप टूल्स होते हैं जो यूजली फ्री नहीं मिलते, ठीक है, तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह का टूल यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच कैरियर पाथ इज बेस्ट टू इंटर इनटू दिस फील्ड, ये आई गेस मैं आंसर कर चुका हूँ। नेक्स्ट आमिर खान का, कैन वी डू डीप लर्निंग इन नाइम? यस प्रीटी मच यू कैन डू, हियर यू कैन सी, आपको टूल नजर आ रहा होगा। तो ये देखें फुल फ्लेज डीप लर्निंग की हर चीज है। न्यूरल नेटवर्क्स पे जाएं, ठीक है, तो आप फुल फ्लेज आपके पास चीजें आएंगी। विच मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री और विच हैज वास्ट एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड? जवाद अहमद का क्वेश्चन, एल्गोरिथम वाइज तो लाइक जो है वो बंदा इसमें कुछ नहीं कह सकता, बट यूजली आजकल जिस तरह ट्रेंड चल रहा है तो न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं जो कि AI को वो जो है वो ड्राइव करते हैं उनसे रिलेटेड है से वो, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स यू कैन से डेट अभी शायद अगर मैं देखूं तो डेट्स समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। जवाद अहमद, फ्यूचर जॉब परस्पेक्टिव ऑफ डेटा साइंस जॉब इन पाकिस्तान, तो आपको मैंने पहले बताया कि आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, इस स्किल सेट की जॉब्स जो हैं वो बर्डिंग है ओवर द टाइम, ठीक है। हर बंदे को एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट चाहिए होता है और वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और लोग पर्टिकुलर जो इस स्किल सेट में 1.5 से 2 साल काम कर लेता है उसको बाहर की जॉब मिल जाती है और पाकिस्तान के अंदर एक कैवियट डेवलप हो जाता है जिसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो लोग ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा एनोनिमस स्टैंडी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AI, ML, DSL एंड ML? तो आप
अभी ये देखें ना कि AI is a bigger field, is a bigger term. उसके अंदर फिर AI को अचीव करने के लिए you have three different tools. Either you can go through conventional machine learning, either you can solve AI problem through deep learning, or you can solve AI problem through data science. ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि AI एक बड़ा umbrella है, उसके अंदर तीन fields हैं, कि आप AI की problem either using ML solve कर सकते हैं, either using DS solve कर सकते हैं, either using DL कर सकते हैं. Or to be more precise, DS is something like कि अगर आप DS की problem AI artificial intelligence या DS की problem statement को आप using conventional machine learning techniques या conventional DL deep जो modern DL techniques हैं उनके through solve कर सकते हैं आप. अच्छा, किसी और के question हो तो please share your questions, और otherwise जो है वो हम अपना session wrap up करते हैं. दूसरा जो है वो क्या कहते हैं उसे, आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट जो रो में सेमिनार है वो जरूर अटेंड करना है. इट्स प्योरली अबाउट वन थिंग जो क्या है नाइम. इस नाइम के अंदर क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, एक पूरा फ्लो कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है वो बताएंगे हम, और पूरा फुल डिटेल में डिस्कसिंग होगी, ठीक है. और स्टिल बिफोर साइनिंग ऑफ मैं स्टिल आई एम आस्किंग अगेन, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज शेयर योर क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, उसको मैं फिर आंसर करता हूँ. वी हैव 2 to 3 minutes, अगर जो है वो किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर वाली विंडो में आके अपना क्वेश्चन शेयर करें. जवाद खान, जो आपके क्वेश्चन है रिलेटेड टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो इट्स अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, और मेनली इसके थ्रू सॉल्व होता है. प्लस हमारा जो सीरीज के अंदर जो थर्ड सेशन है वो इसी से रिलेटेड है कि हम किस तरह डीप लर्निंग और आपकी जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की चीज़ें हैं वो नाइम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जमाल अराई, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज ऑन फेसबुक पेज अगर आपको कोर्स कंटेंट डिटेल में चाहिए, ठीक है, तो यू कैन प्लीज ड्रॉप अ मैसेज ऑन फेसबुक पेज, तो आपको वहां से पूरी डिटेल मिलेंगी. हेलो जवाद, जो है इफेक्टिवली अगर आप मेरे से कोड पूछें तो लाइक आई डो नॉट हैव मच एक्सपीरियंस इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड नाइदर आई एम लाइक कंप्यूटर वी इन पर्सन, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन टच बेस मी ऑन माई फेसबुक पेज, आई कैन सेट अप अ मीटिंग फॉर यू विद अ कोर कंप्यूटर वी इन एक्सपर्ट जिसने इस चीज पे काम किया होगा. एनी अदर क्वेश्चन? ओके गाइज, अल्लाह हाफिज, और मस्ट ट्यून इन टू सेकेंड सेमिनार इन रो जिसके अंदर हम प्योरली नाइम को एक्सप्लोर करेंगे कि नाइम के अंदर क्या है और नाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं. इट विल बी ओनली अबाउट नाइम. ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज.